स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। स्क्रीन पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। इंडेक्स में आपको थोड़ी सुस्ती जरूर दिखेगी, बट स्टॉक्स में भरपूर एक्शन आपको इस समय बनते हुए दिख रहा है। कई स्टॉक्स में बड़ा रोटेशन भी हो रहा है, कई सारे सेक्टर्स में मूव आ रही है, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तो तेजी का ट्रेंड बरकरार है। तो क्या करना है आपको इस ट्रेंड में, और ऑफकोर्स आज वीकली एक्सपायरी है तो वहां से कैसा एक्शन आते हुए दिख सकता है, इसी पर रहेगा हमारा फोकस आने वाले डेढ़ घंटे में। आइए उससे पहले इस समय की जो बड़ी बातें हैं वहां पर नजर डाल देते हैं। 18,550 इसके आसपास एकदम सपाट कारोबार आपको होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल फ्लैट है इंडेक्स इस समय। ऑफर फॉर सेल है कोल इंडिया का, इसके चलते 5% लुढ़का। एक दो और इंडेक्स स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा दबाव आपको आते दिख रहा है, अदरवाइज निफ्टी में कोई परेशानी नहीं है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें नीचे से सुधर कर 44,050 के इर्द गिर्द ये भी ट्रेड होते हुए दिख रहा है। एक कोटक बैंक में भारी दबाव है कल के बड़े एक्शन के बाद, इसके अलावा बाकी सारे बैंकिंग शेयर्स ठीक ठाक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 100 लाइफ हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 13 महीने की ऊंचाई पर है, तो वहां से तो आपको जबरदस्त खरीदारी आ रही है। रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, फार्मा, ऑटो, आईटी, यहां पर जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स पर रखिए नजर। बड़ी डेड डील थी वो अब क्लियर हो चुकी है। अमेरिकी बाजार अब एकदम फ्लैट हैं। कल आएगा जॉब्स डेटा, उससे पहले नए ट्रिगर की तलाश में, बट 33,000 के नीचे डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट, और 14,300 पर नैसडैक फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट आपको कारोबार करते हुए दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में ठीक ठाक एक्शन है, आधे से 1% की तेजी है कल की गिरावट के बाद। तो ग्लोबल संकेत तो स्टेबल है, हमारे बाजार भी कल की मुनाफा वसूली के बाद इंडेक्स लेवल पर स्टेबल है, बट स्टॉक्स में बढ़िया चर्न आपको आते हुए दिख रहा है। हेल्थ केयर स्टॉक्स देखिए, डिवीज लैब जबरदस्त एक्शन इसमें आ रहा है। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारे स्टॉक्स आपको दौड़ते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ केयर से अपोलो हॉस्पिटल्स आज एक्टिव है। ग्रैन्यूल्स में आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। लॉरस लैब्स में उसकी स्पेसिफिक खबर भी है जिसकी वजह से स्टॉक मूव कर रहा है। तो ये एक स्पेस है जो बढ़िया तेजी में है। कल भी हम देख रहे थे आईटी और फार्मा का अच्छा सहारा था, आज भी देखिए आईटी फार्मा का सहारा है। कोटक छोड़कर बाकी बैंक्स भी आपको ठीक ठाक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार में एक्शन भरचार है। ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आए हैं, उसकी तरफ से भी हम देख रहे हैं, कई सारे ऑटो काउंटर्स भी रिएक्शन दे रहे हैं। तो मूड माहौल तो बाजार का ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप में चर्न बना हुआ है, बस ये इंडेक्स में ही थोड़ी सुस्ती है, उससे आप ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट ना करें। बट आइए देख लेते हैं आने वाले दिनों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं हमारे बाजारों के लिए, और साथ ही आज क्या कुछ खबरें आई हैं जहां पर स्टॉक्स में आपको थोड़ा मूवमेंट भी आते हुए दिख रहा है। कुशल अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। आइए पहले कुशल के पास चलते हैं और जानते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में एबी कैपिटल फोकस में रहेगा आज, जिसमें बोर्ड बैठक होने वाली है। प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करने पर यहां पर विचार किया जाएगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप के मई महीने के सीपीआई आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोल इंडिया, इसका रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलता हुआ नजर आएगा। साथ ही मिंडा कॉप, यहां पर इक्विटी प्रेफरेंशियल इशू या फिर क्यूआईपी, या फिर हो सकता है कि राइट्स इशू के जरिए कंपनी पूंजी जुटाती हुई नजर आए। एक्स डिविडेंड है, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, हैवल्स और साथ ही पेज इंडस्ट्रीज को लेकर, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, डमर्जर जो है इनका, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का होता हुआ दिखेगा। स्टॉक T2T सेगमेंट में होगा। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सिंगापुर के बाजार बंद रहेंगे। मई महीने का जॉब्स डेटा, जैसे कि दीपा बता रहे थे, ये आते हुए नजर आएंगे कल के दिन में। और रविवार को यहाँ पर ग्लोबल इवेंट है, ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है, तो उससे क्या निर्णय निकल कर आता है इस पर भी हमारा बड़ा फोकस रहेगा, और उसका एक्शन आपको सोमवार को दिखेगा। ओके, तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। और ओपेक की बैठक से पहले कच्चे तेल में हम 3 दिनों से गिरावट देख ही रहे हैं। आइए, अरमान भी हमारे साथ तैयार आज की खबरें बताने के लिए। अरमान बताए। जी बिल्कुल, कुछ ही खबरें आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले कोल इंडिया, जिनका ओएफएस में जो नॉन रिटेल का हिस्सा है वो पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। एम्फेसिस कारोबार के ग्रोथ के लिए इन्होंने एम्फेसिस .AI जो है वो लॉन्च किया है। इससे अगर आप देखें जनरेटिव AI के जरिए कारोबार क्षमता बढ़ाने में इनसे मदद मिलती हुई दिखेगी। कैपलिन पॉइंट, यहाँ पर USFDA ने इंजेक्टेबल यूनिट की जाँच पूरी की है, और इस जांच के बाद अगर आप देखें USFDA की जांच के बाद 4 आपत्तियां जो हैं वो जारी करते हुए दिखे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर क्रिसिल ने लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है A+ से बढ़ाकर AA- कर दी है। NCC, इनका यहां पर अपडेट आता हुआ दिखा कि मई महीने में जो कुल जो इनकी ऑर्डर्स हैं वो लगभग 2,100 करोड़ के आसपास के जो है उनको ऑर्डर मिलते हुए दिखे। और अंत में ब्लॉक डील है CG पावर में, जिसमें 10 लाख शेयरों के कई सौ दिखे गए। ओके, तो ये है आपके लिए आज कुछ ज्यादा खबरें हैं नहीं? बिल्कुल हार्डली कुछ खबरें आती दिख रही हैं, और कल की बड़ी ब्लॉक डील्स के बाद आज कुछ ब्लॉक डील्स भी एक दो ही हुई हैं, ज्यादा एक्शन वहां पर नहीं है। कोल इंडिया का ऑफर फॉर सेल नॉन रिटेल के लिए जो आज खुला हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेसिकली, वो पूरा आपके लिए सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। अब कल रिटेल के लिए खुलेगा, तो इस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। बट एसेंशियली इस स्टॉक पर आप थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर दें। आज जो एक बार की बड़ी गिरावट होनी थी
वो ऑलरेडी हो चुकी है कोल इंडिया के लिए. बट वीकनेस में कोटक बैंक सहारा दे रहा है. एक बार देख लेते हैं इस समय फ्यूचर्स और स्पॉट पर कितना डिफरेंस है. कल तो हमने बड़ा डिफरेंस देखा था दोनों काउंटर्स में. स्पॉट की बात करें कैश में एसेंशियली, तो आपको स्टॉक करीब 4% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहेगा. 1935 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है. और अगर आप फ्यूचर्स की बात करें तो 1930 के लेवल पर है, 2.5% नीचे. तो कल और आज का बीच का जो इतना बड़ा डिफरेंस था वो ऑलमोस्ट अब सेम ही हो गया है. अब आप थोड़े ही डिस्काउंट पर फ्यूचर्स में ट्रेड होते दिख रहे हैं. बट कोटक बैंक पर रखिए नजर, थोड़ा बैंक निफ्टी में प्रेशर इसी से, अदरवाइज बाकी बैंक्स आपको बढ़िया ट्रेड इस समय दिखा रहे हैं. आइए थोड़ा बाजार के डायरेक्शन के बारे में भी समझें, आज का एक्शन भी थोड़ा समझें. अनिल जी भी हैं हमारे साथ तैयार. गुड आफ्टरनून सर. अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को इग्नोर कर दें तो बाजार में कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है. स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहे हैं. सेक्टर्स में देखें तो ज्यादातर सेक्टर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर हो रहा है. मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनी. कहां है मंदी? कहां है मंदी? नहीं है, कहां है मंदी? बिल्कुल मंदी है ही नहीं. और दीपक कौन सा ऐसा इतिहास में लिखा है किताब में कि भाई हर रोज सब एक साथ बढ़ने चाहिए, हर रोज सब एक साथ घटने चाहिए? कभी कभी मतलब बच्चे अच्छा काम करें तो लेट्स अप्रिशिएट. एग्जैक्टली. मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अगर दिग्गजों के मुकाबले में बढ़िया कर रहे हैं, दो महीने से कर रहे हैं, फॉर्म में चल रहे हैं. अब अगर कोई भाई देखो सीधी सी बात है, अगर कोई सूर्य कुमार यादव हो, रोहित शर्मा से बढ़िया खेल रहा है, खेल रहा खेल रहा है ना, उसमें अच्छी बात है, क्या दिक्कत है कि नहीं? सो वही हो रहा है आपके. यादव जायसवाल शुभमन गिल अब तो तिलक वर्मा भी, साई सुदर्शन नए स्टार तो वो है. तो खूबसूरती यही है ना. एग्जैक्टली. देखो गुजरात में फाइनल हो है ना अहमदाबाद में, और गुजरात में गुजरात की टीम को गुजरात वाले हरा दे जड़े जैसा है. यस. और अगर चेन्नई जीत भी रही थी तो चेन्नई के हारने के जो सारे या मतलब जो मामला डावाडोल हुआ वो भी काम चेन्नई वाले ने किया. हाँ. साई सुदर्शन ने बनाया 94. यस. तो देखो चेन्नई वाला गुजरात में आके चेन्नई वाले चेन्नई को धो रहा है. हाँ. गुजरात वाला गुजरात में आके गुजरात को धो रहा है. तो हाँ, तो यही तो खास बात है. तो हमारे जो छोटे 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 ये मिड कैप स्मॉल कैप है, इसमें कोई यशस्वी जायसवाल है, कोई शुभमन गिल है, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं. बेसिकली आपका पैसा बनना चाहिए, बनना चाहिए. जरूर थोड़ी कि इंडेक्स में बने. जब कहीं ना बने तो इंडेक्स में बनाइए. अब स्टॉक्स में ज्यादा बन रहा है, और जब स्टॉक्स में बनता है वो कभी कभी बनता है, और जब स्टॉक्स में कभी कभी बनता है तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बनता है. क्योंकि जो मूवमेंट आपको इंडेक्स में मिलते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो मूवमेंट आपको स्टॉक्स में मिलते हैं वो परसेंटेज में होते हैं, इंडेक्स में जो मिलते हैं वो पॉइंट में होते हैं. करेक्ट. सो इसलिए जिस वक्त जो चल रहा है भाइयों, देखो सीधी सी बात है, अपने बोलने से तो बाजार चलेगा नहीं. यस सर. अपने को ही बाजार के हिसाब से चलना है. तो बाजार बोल रहा है कि पैसे यहाँ नहीं बन रहे, इंडेक्स मत देखो बंद, उधर देखो जहाँ पैसे बन रहे. मजे की बात, फिर भी देखो इंडेक्स पे बात किए बगैर तो रह नहीं सकते, बिजनेस चैनल चला रहे तो बात तो करनी पड़ेगी. करेक्ट. सो आज इंडेक्स ने कमाल वाला काम किया. क्या? ये कुछ नहीं किया. और कैसे कुछ नहीं किया वो समझिए. जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी का, पहला सपोर्ट रेंज 18,475, 18,525. ठीक है दीप. आज का लो देखिए आप निफ्टी का 18,514, मतलब उस रेंज में भी ऊपरी सिरे से घूम गया. ऊपर की रेंज क्या है 18,575, 18,625, और हाई क्या है 580. सो इतनी छोटी रेंज भाई साहब, 50 मिनट में पूरा दिन टाइम पास. चलो अच्छी बात है. बैंक ये तो 40-45 हज़ार वाला है, इसको तो थोड़ा मूव करना चाहिए. तो कहाँ से कमजोरी शुरू होती है? 40,000 से. आज का लो क्या है 43,970, यानी कि पहले सपोर्ट पे रुक गया. ऊपर में 44,200 के ऊपर थोड़ी मजबूती आने के संकेत आएंगे. हाई 44,180. तो 200 पॉइंट की रेंज में पूरा इन्होंने भी टाइम पास कर लिया. तो 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी की, 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी की. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. लेट्स नॉट टॉक. सब बात करने के बाद. सो इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई बड़ी चीजें नहीं. आज मंथ एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में जो सॉरी वीकली एक्सपायरी, मंथली अभी भी गई, ताजा गई है. आई स्टिल रिमेम्बर, जाने वाले को नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए. सो अभी अभी जो ताजा वीकली मंथली एक्सपायरी की, आज जो मंथली एक्सपायरी है जून सीरीज की पहली जो है, बचे हुए समय के लिए 18,475, 18,500 आपके लिए सपोर्ट जो है, 525 तक सपोर्ट है. ऊपर में 18,575, 18,625 रुकावट की जगह. जो सुबह की कमेंट थी वही अभी की है. बैंक निफ्टी जब तक 44,000 के ऊपर है ठीक है, 44,000 के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता. नीचे में 200 पॉइंट, 44,800 सपोर्ट, 43,800 सपोर्ट है. ऊपर में 44,200 रुकावट का पॉइंट है. 44,200 के ऊपर निकल कर टिकेगा तो
44,500 तक की जगह बनेगी। 44,800 के नीचे फिसलेगा तो 44,675 44,500 तक की जगह खुलेगी, जो होने वाला है दोनों ही नहीं है। तो अल्टीमेटली देखिए, जो ऑप्शंस खरीदता है वो कम रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखता है, और जो ऑप्शंस बेचता है वो ज़्यादा रिस्क लेके कम पैसा कमाने की इच्छा रखता है। इच्छा तो सबकी वही होती है, कम से कम पैसा लाए, लेकिन कमा वही पाता है जो रिस्क लेता है, कैलकुलेटेड लेता है। सो आज ऑप्शन सेलर का दिन है अभी तक तो, और आखिरी डेढ़ घंटे में ऐसा कुछ अभी तक नजर नहीं आ रहा जिसमें कि ऑप्शन सेलर के लेने के देने पड़ जाएं। थोड़ा थोड़ा डाउ फ्यूचर ऊपर आ रहा है, तो जो शॉर्ट साइड पर है वो थोड़े ज्यादा सावधान रहें, लॉन्ग साइड पर है वो लाइफ एंजॉय करें, बस इतना। चलिए, तो ये है आपके लिए अनिल जी की इस समय की बाजार की स्ट्रेटजी, और ऑफकोर्स डेटा भी समझेंगे सर का, आज की एक्सपायरी की भी बात करेंगे, बट एसेंशियली कोई परेशानी नहीं है स्टॉक्स पर। आ चुके हैं सारे के सारे मेहमान, स्वागत किया जाए कुणाल जी राकेश जी का, स्वागत किया जाए सुमित जी संदीप जी का, और स्वागत किया जाए एक और संदीप जी का। तो आपने हाथ जोड़ा जैन साहब, दो संदीप जी बोला, आप कौन से वाले थे, पहले वाले या दूसरे वाले, आपने हाथ किस वाले में जोड़ा, सुमित जी संदीप जी वाले में जोड़ा या दूसरे संदीप जी वाले में? मैंने पहले वाले में जोड़ा, नहीं पहले वाले में तो वागले साहब थे। ऐसे में कभी भी इस तरह की रिस्क होना, आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, दोनों बार जोड़ दो ना, क्या जा रहा है। वागले साहब बुरा थोड़ी बनेंगे, आपने उनके उनके भी आप में भी दो बार जोड़ दिए। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आखिरकार जैन साहब, ये तो माहौल बिल्कुल आपके लायक है, पिच तो ऐसी है जैसे जैन साहब को ही बैटिंग करनी चाहिए, ऐसा लगता है हर घंटे आपका जेम्स आना चाहिए। नहीं बिल्कुल अनिल जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और आज किसने ट्वीट करके भी बोला कि इतना माहौल बना हुआ, आप क्या एक पिक दे रहे हो, तो बोला दिन में भी मैं दो तीन पिक दे सकता हूँ, ऐसा माहौल बहुत कम आता। और इनफैक्ट मुझे याद है आपने भी अप्रैल के महीने में शुरुआत में बोला, और मैंने भी पहला जब अप्रैल महीने का मैंने कोई वीडियो भी बनाया था, और जनरली ट्वीट करता हूँ ये मिड कैप स्मॉल कैप का इससे बढ़िया समय भी आएगा, और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी बाकी है, ये तो ट्रेलर था। मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए आउट परफॉर्म कल भी किया, कल मार्केट बहुत वोलेटाइल थे, और आज भी जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है, और अभी भी काफी कुछ कैचअप करने बाकी है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स बिल्कुल दूंगा अनिल जी आपने बोला है। तो कल के दिन तो देखिए बहुत बड़ा दिन हमारे लिए, मतलब बहुत ही स्पेशल डे है, आई विल सर्टेनली कम अप विद सम गुड आइडियाज। एक स्पेशल जेम्स भी आएगा, उसका खास वजह भी है, आई थिंक बंसल जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बंसल जी बताएं सर। नहीं नहीं, मैं तो दीपांशु हाथ भी नहीं खड़ा करा बिल्कुल, मैंने कुछ भी नहीं बोलना है इसके ऊपर, आप खाम खाम मेरे को जैन साहब के सामने लाके खड़ा कर रहे हैं, मैंने तो हाथ भी नहीं खड़ा करा है इस पर। क्या बात कर रहे हो, अच्छा ओके। हमें ऐसे बहुत बार, हम कॉलेज में करते थे ऐसा, आज की बंसल जी ऐसा कॉलेज में, जैसे आप, आपके सामने कोई दोस्त आया और आपको उससे हाथ मिलाने, थोड़ा उसको उसकी इंसल्ट टाइप करनी है, ऐसे हाथ आप ऐसे आगे ले रहे हो बाल करके, हाँ ऐसा बाल ऐसे कर रहे थे बंसल जी, आप सक्सेसफुल हुए। हाँ नहीं अनिल जी, अनिल जी मैंने किसी भी तरीके का कोई भी चीज नहीं करी, अनिल जी आप काम का कर रहे हैं, अनिल जी देखिए मैं भी कुणाल जी के साथ बैठता हूँ, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ। अनिल जी मेरा आपसे एक सवाल है, अनिल जी अभी आप क्रिकेट की बात कर रहे थे, पिच बनी हुई है जी, देखिए आप तो आंसर कर देंगे इनडायरेक्टली, क्वेश्चन है मेरा ये वांगले जी के लिए, कुणाल जी के लिए, अच्छा जो मार्केट छोड़ के कुछ भी नहीं देखते हैं कि इंडिया में कोहली के बाद, विराट कोहली के बाद नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा जो ऑल फॉर्मेट क्रिकेट कैप्टन बन सकता है, आप तो अनिल जी बता ही देंगे, ये सवाल है वांगले जी कुणाल जी जैसे लोगों के लिए जो मार्केट छोड़ के कमर्शियल चीज छोड़ के बिल्कुल कहीं किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है इनका। ओके कुणाल जी, इस सवाल का गलत जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं जी, कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए मेरे पास एकदम बढ़िया जवाब है अनिल जी, लेकिन उसके बाद एक सवाल भी है अनिल जी आपके लिए जी। तो पहले अनिल जी बंसल जी के इस बहुत ही धांसू प्रश्न का जवाब दे दूं। अनिल जी देखिए जो व्यक्ति कैप्टन बन सकता था उसके बारे में मैं जानता हूं, और उस व्यक्ति ने अनिल जी सचिन तेंदुलकर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया था, तो वो व्यक्ति हमारे बीच में ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको शेयर बाजार अपनी ओर खींच लाया, इस वजह से इंडिया ने एक बहुत बड़े टैलेंट को मिस कर दिया, तो उसके बारे में मैं जानता हूं, इसके अलावा किसी और कैप्टन के बारे में जानकारी नहीं। वो तो गया, चलो बढ़िया, एक अच्छा काम हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। आइए, लेकिन वागले साहब के लिए बिगुल, वागले साहब तो इसका जवाब देंगे नहीं, नहीं देंगे। हाँ वागले साहब बोले नन ऑफ माय बिजनेस, नॉट माय कप ऑफ टी, चाय तो कुना सुमित जी पीते हुए भी पाए गए थे। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर।
जी सर फरमाए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी पहले तो ना मैं एक निफ्टी पे व्यू देना चाहता हूँ क्योंकि कल निफ्टी का मंथली क्लोजिंग हुआ है और कुछ ऐसी चीजें कानों को सुनने के लिए इतनी अच्छी लगती है, तो मैं चाहूंगा कि पहले इसका आधा मिनट ले लूं सिर्फ इसके लिए। जी जी सर आराम से। मेरा जो व्यू था निफ्टी का पिछले लगभग 6 महीने 8 महीने 1 साल का, कि 1550-16 का बॉटम है, 1800-1850 का टॉप है और हम अभी भी उसके आसपास है, टॉप के आसपास है। हम टॉप शायद वन वे ब्रेक करके वन वे शायद नहीं चलेंगे। ऑन द डाउन साइड 16,000 हम अभी ब्रेक नहीं करेंगे, ये मेरा कन्विक्शन है। और 16,000 ब्रेक करने के पहले हमको 22,000-22,500 देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये व्यू कुछ हफ्तों महीनों का नहीं है, ये कुछ सालों का है, ये 1.5 से 2 साल का व्यू है। तो 22,000-22,500 का निफ्टी हम उसके लिए प्ले करेंगे और इंडिविजुअल स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, ये मेरा मानना है, कन्विक्शन है। कुछ कुछ काफ़ी बेरिश रिपोर्ट बीच बीच में आती थी तो जो बोल रहे थे 12,000-15,000-16,000-10,000 तक निफ्टी जा सकता है, ये मेरा मानना नहीं। निफ्टी 16,000 ब्रेक नहीं करेगा, पहले हमको 22,000-22,500 का व्यू देखने को मिलेगा। आज का मेरा स्टॉक है टाटा मोटर्स, एक फ्रेश ब्रेकआउट 530-532 के लेवल पे टाटा मोटर्स ने दिया है, अभी 535-536 है। पोजिशनली 1 से 2 दिन में भी 3 दिन ये 550-555 तक जाने के लिए तैयार है। आपका स्टॉप लॉस 531 का होना चाहिए। है आपके लिए टाटा मोटर्स जिस पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ रहा है काउंटर, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आ रहे हैं। आइए चार्ट कॉर्नर राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर। अनिल जी देखिए चार्ट कॉर्नर की कॉल दूं उससे पहले अनिल जी आपके लिए एक सवाल है, आप बार बार पूछ रहे हैं कि कहाँ है मंदी। अनिल जी इतनी बार मंदी को पुकारेंगे तो मंदी कहीं आ ना जाए अनिल जी, तो जहां भी मंदी है अनिल जी उसे वहीं रहने दें, बार बार उसको याद ना करें अनिल जी। सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, हर जगह है मंदी सिर्फ हमारे बाजार छोड़ के। जी सर बताएं। तो अनिल जी मेरी और राकेश जी की खरीदारी की राय है सन फार्मा पर। मैंने और राकेश जी ने पहले भी खरीदारी की राय दी है और फार्मा सेक्टर पर हम दोनों बिल्कुल बुलिश हो रखे हैं और उसकी वजह है कि चार्ट्स पर ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं, एक के बाद एक फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं सारे सुस्त हैं लेकिन जो फार्मा इंडेक्स है इसमें हमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो सन फार्मा इन स्तरों पर बाय करके चले। ओवर टू राकेश जी। जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है बड़ी तेजी का प्रबल दावेदार है, कल से मैं और कुणाल जी इसको रिकमेंड कर रहे हैं। 978 का स्टॉप लॉस लगाना है 1017 से लेकर 1020 के टारगेट जोन के लिए। सन फार्मा हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है। और अनिल जी अभी अभी इवनिंग न्यूज़पेपर जो छप रहा है उसमें खबर आई है जो मंदी है वो एक छोटी सी चाइनीज कंट्री में चली गई है, तो अभी कुछ दिनों तक हम मंदी से इंसुलेटेड है अनिल जी। अच्छा चाइना में मंदी है, ओके बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हांगकांग चाइनीज कंट्री मतलब हांगकांग हुआ ना, चाइना के अंडर में तो हांगकांग है। नहीं अनिल जी उसके आसपास वाले भी होते हैं ना जो चाइनीज टाइप। चाइनीज टाइप क्या होता है, या तो चाइनीज है या चाइनीज नहीं है, चाइनीज टाइप मतलब क्या है? मतलब चाइनीज मतलब जैसा वो अनिल जी जिस तरीके से नहीं नहीं जैसा मतलब स्ट्रॉन्ग बाय। अरे मैं बता रहा हूँ चाइनीज टाइप क्या, एक मिनट जिस तरीके से, अरे एक मिनट सुनो जैसे वो चाइनीज टाइप मतलब जो होता तो मंचूरियन है लेकिन जैसे आपके दिल्ली में गोभी का मंचूरियन बना के खाते हैं उसको चाइनीज मानते हैं, वो चाइनीज टाइप। अनिल जी जी कुणाल जी चाइनीज नहीं जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए आजकल अनिल जी दिल्ली में वियतनामीज फूड बड़ा पॉपुलर हो रहा है अनिल जी, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं हमारे बंसल जी। अच्छा पता नहीं मैंने तो पिए खाया नहीं है, वियतनाम का भी फूड पॉपुलर। अच्छा पॉपुलर है बट आप नहीं खा पाओगे। अच्छा मतलब प्योर नॉन वेजिटेरियन काइंड ऑफ मतलब ज्यादातर वैसा ही है। ओके चलिए बढ़िया है। जैसे गोभी मंचूरियन खाया आप? हाँ मतलब बट आई डिडंट रिलेशनशिप नहीं मजा नहीं आया मुझे, नहीं आया ना। वो दिल्ली में ही है। हाँ वही बोला चाइनीज टाइप तो दिल्ली में वैसे ही बनता है, मतलब बेचारे इंडियन फूड का चाइनीजकरण कर दिया गया है और चाइनीज फूड का हिंदुस्तानीकरण वैसा है जी इसको कराया वैसे। चलिए बट क्योंकि बात ऑटोज की निकली है तो आइए एक बार जरा ऑटो स्टॉक्स पर फोकस कर लिया जाए। जो अब तक के ऑटो बिक्री के आंकड़े आ गए हैं वो कैसे रहे, ट्रेंड के हिसाब से अनुमान के हिसाब से एक बार कुशल से समझा जाए। कुशल बताइए किस तरह की रही है इस बार सेल्स?
देखिए सेल्स वाइज अगर आप देखेंगे दीप, तो यहाँ पर टू व्हीलर स्पेस का अभी तक अच्छा प्रदर्शन रहा है, साथ ही अगर आप ट्रैक्टर स्पेस को देखें तो वो भी काफी बड़ा बीट था जितना भी हमारा स्ट्रीट का अनुमान था। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं, इसमें मारुति सुजुकी इसने नंबर्स पर बीट किया है एस्टिमेट्स को। 1,65,000 यूनिट्स का करीबन हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 1,78,000 यूनिट्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। साथ ही M&M आप देखिए यहां पर थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रही है, 63,900 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 61,415 यूनिट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो ये M&M के ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे थे। जहां तक टू व्हीलर्स का सवाल है, दोनों ही कंपनियों ने इनफैक्ट माफ कीजिएगा बजाज ऑटो नहीं केवल यहां पर अभी तक अपने नंबर्स दर्ज किए हैं टू व्हीलर स्पेस में, और यहां पर नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। 2,94,000 के अनुमान के मुकाबले ऑलमोस्ट 3,08,000 यूनिट्स बेचने में कंपनी ने सफलता प्राप्त की है। तो रिलेटिवली 23% की ग्रोथ के साथ आउट परफॉर्मेंस जितना एस्टिमेट्स था उसके मुकाबले आती हुई दिख रही है। जहां तक VECV आयशर मोटर्स का सवाल है, रॉयल एनफील्ड का नंबर्स अभी तक आए नहीं है, बट VECV स्पेस पर थोड़ा सा अनुमान से हल्का सा कमजोर नंबर आए हैं, 6,440 के अनुमान के मुकाबले लगभग 6,300 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। और अंत में अगर आप ट्रैक्टर स्पेस को देखें तो M&M और एस्कॉर्ट्स दोनों ने ही आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। हमारा अनुमान गिरावट का था और यहां पर 33,400 यूनिट्स अनुमान लगा रहे थे M&M के लिए, 34,000 प्लस यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। और अंत में 8,000 यूनिट्स के आसपास एस्कॉर्ट्स भी हम एस्टिमेट करके चल रहे थे, 9,100 यूनिट से भी ज्यादा कंपनी ने यहां पर अपने यूनिट्स बेचे हैं। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रही है क्लियर कट टू व्हीलर और साथ ही ट्रैक्टर स्पेस में। तो आप कह रहे हैं अच्छे ज्यादातर दो सेगमेंट्स के तो काफी अच्छे हैं टू व्हीलर, मतलब अभी तक का जो नंबर्स आया उसमें बजाज ऑटो ने अच्छे पोस्ट किए हैं, साथ ही ट्रैक्टर स्पेस में दोनों ही कंपनियां M&M और एस्कॉर्ट्स उसने आउट परफॉर्म किया, और एस्कॉर्ट्स की हम वैसे भी आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ही कर रहे थे एक तरह से। चलिए तो ठीक है, अब तक के जो नंबर्स आए हैं वो ज्यादातर बेहतरीन रहे। जैन साहब कोई टिप्पणी सर, ये जो ऑटो सेल्स के लगातार दमदार नंबर आ रहे हैं ये आगे भी आने हैं बिल्कुल। देखिए रूरल रिवाइवल मुझे याद है कल शायद सिडानी जी ने बहुत बढ़िया थीम बताया और मैं भारत के ऊपर तो पूरा बुलिश हूँ जिस तरीके के कल GDP के नंबर्स आए हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जबरदस्त एक डिमांड का माहौल बना हुआ। और दूसरी बात GST के नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं, हम देखना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स बढ़िया करेंगे। ऑटोज तो हम बोल ही रहे हैं बट ऑटो एंसिलरी में जनरली एंसिलरी प्ले ज्यादा करता हूँ, तो उसमें ऑटो एंसिलरी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। बाकी ट्रैक्टर्स यस वेरी बुलिश ऑन ट्रैक्टर्स ऑलरेडी, एस्कॉर्ट्स M&M ये बढ़िया कर रहे हैं और बजाज ऑटो के भी नंबर्स अच्छे आए हैं। मारुति सर्टेनली मुझे लगता है कि मारुति के नंबर्स बहुत बढ़िया आने चाहिए और इवन मारुति के डीलरशिप्स भी कुछ लिस्टेड है जैसे कि अभी लैंडमार्क कार्स और ये सब, हालांकि उनका IPO आया था। और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए और जो ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स है उन पे ध्यान दें। और मारुति पे आप बुलिश, मैंने पहले भी मारुति के ऊपर काफी बुलिश मेरा नजरिया बताया था, जहां पे भी डिप्स आए खरीदने का मौका है। मारुति अभी भी मार्केट्स के हाइज के हिसाब से अपने हाइज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आई फील कि देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज इन मारुति। हीरो मोटोकॉर्प TVS ने अच्छे रिजल्ट दिए, वो वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, इवन बजाज ऑटो को भी देखा जा सकता है। तो ऑटोज में अपॉर्चुनिटीज भरपूर हैं, अभी टाटा मोटर्स की भी बात चली रही थी वागले साहब की तरफ से, और स्टॉक्स में तो आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख ही रहा है। थोड़ी गिरावट इस समय बैंक निफ्टी में आई है, पिछले कुछ मिनटों में बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसला है, तो उस पर रखिए नजर, कुछ ऐसे बड़ा प्रेशर नहीं आया बट एक दो स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस आई है, बैंक निफ्टी आपको 100 पॉइंट फिसलते हुए दिख रहा है। बट इंडस टावर्स इसमें लगातार आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, एक बार सुमित जी से चार्ट पर राय लीजिए। सुमित जी अच्छे मोमेंटम है, वैसे हमने देखा है सारे टेलीकॉम स्टॉक्स मूवमेंट में, भारतीय एयरटेल तो आपने मूव पकड़ी थी, इंडस टावर्स में क्या चल रहा है सर? दीपांशु साइडवे स्टॉक है ये, एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है बट हाँ नीचे में इसने सपोर्ट जरूर ले लिया है 140-145 के पास, और ऊपर में इसका जो इमीडिएट हर्डल 160 का है जो रेजिस्टेंस के पास है। जैसा ये रेजिस्टेंस लेवल 160 का ब्रेक करेगा तो ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा और ऊपर में 170-175 रुपए तक का लेवल बाउंस बैक के तौर पर देखने को मिल सकता है, यानी कि अभी तक तेजी के संकेत नहीं है लेकिन पुल बैक बाउंस बैक जरूर इसके अंदर और एक्सटेंड हो सकता है 160 का लेवल टूटने के बाद, 170-175 तक का मूव इंडस टावर में देखने को मिल सकता है। एक और स्टॉक जिस पर आपकी राय लेनी है क्योंकि वो अभी अभी रेडार पर भी आया और मूव भी अच्छे आ रहे हैं, इंडिया सीमेंट, दो दिन पहले मूव इसमें आपने पकड़ी थी, तब बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी हम एक्शन देख रहे थे, इंडिया सीमेंट में जबरदस्त एक्शन है आज सर, 5% ऊपर है, दो दिन पहले वाले तो टारगेट्स आ गए, अब क्या करना है इसमें ये बताइए। बिल्कुल, जिस दिन मैच जीता था उस दिन ही बाय का व्यू दिया था, उसके नेक्स्ट डे यानी मंडे को स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है ऊपर की तरफ और पूरे टारगेट्स अचीव हुए हैं, तो इंडिया सीमेंट में अभी और ऊपर का मूव बन सकता है। सीमेंट सेक्टर मजबूत दिख रहा है, ऊपर में 215 से लेकर 218 तक का मूव इंडिया सीमेंट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, तो जिन्होंने पोजीशंस होल्ड किया है
अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस अभी और होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 218 रुपए तक का वो ऊपर में इंडिया सीमेंट में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है, बाजार थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, थोड़ा इंडेक्स लेवल पर आप प्रेशर देख रहे हैं, बट स्टॉक्स का रोटेशन आपको शानदार आते हुए दिख रहा है और इसमें मूव भी आ रही है। SBI कार्ड्स, ये भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है, इस पर रखिए नजर। टाटा कम्युनिकेशंस, ये काफी एक्टिव होते हुए दिख रहा है, दो तीन दिन से हम देख रहे हैं सारे टेलीकॉम मूव कर रहे हैं और टाटा कम्युनिकेशंस, मेरे को याद है जब बात हो रही थी भारतीय एयरटेल की दो दिन पहले, तब ये भी मूवमेंट में था, आज फिर से अच्छी मूव आ रही है, 50 रुपए की मूव आपको आज टाटा कॉम में भी आती हुई दिख रही है। जैन साहब, नजर रख रहे हैं सर टाटा कॉम में, क्योंकि लगातार एक्शन में आ रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज इसका भी हुआ, बट दो तीन दिनों से फिर से एक्टिव हो गया सर ये काउंटर। देखिए टाटा कम्युनिकेशन तो सर्टेनली जो आपने बोला अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट्स के साथ जो स्टॉक्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे वाकई में माहौल बनेगा। कल तो हमने देखा किस तरीके की एक वॉलेटिलिटी भारतीय एयरटेल में थी, भारतीय एयरटेल भी गजब का परफॉर्म कर रहा है, तो ओवरऑल आप बुलिश ऑन द टेलीकॉम स्टॉक्स। और मैंने तो इनफैक्ट एक रेलवे का भी टेलीकॉम स्टॉक रेकमेंड किया हुआ, रेलटेल, जो कि बहुत चलानी है, एक PSU स्टॉक है, हालांकि ऑफ द रडार ज्यादा रहता है, बट यस मुझे लगता है कि टाटा कम्युनिकेशन एंड भारतीय एयरटेल जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है। और रेलटेल मुझे संभाव बहुत बढ़िया लगता है, और इवन टेलीकॉम के भी जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स है, कंपनीज है, उनको भी मैंने रेकमेंड किया हुआ रिसेंटली, मैंने एवेंटेल भी एक रेकमेंड किया था, बट दे आर ऑल स्मॉल स्टॉक्स। जब बड़ी स्टॉक की बात, जब बड़े की बात करूंगा तो टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स भी बढ़िया थे, सो आई फील कि बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, यहाँ से और भी स्टीम बाकी है। और भी स्टीम बाकी है, होल्ड किया जा सकता है, टाटा कम्युनिकेशन पर रखिए नजर, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 50 रुपए की मूव आपको आज टाटा कॉम में आती हुई दिख रही है। मनापुरम फाइनेंस वागले साहब हैं हमारे साथ, एक बार मनापुरम फाइनेंस पर भी राय लीजिए। वागले साहब, 3.25% ऊपर मनापुरम है, ये भी डेज हाई पर आ गया है, फाइनेंशियल्स में एक रोटेशन का मूव है, मनापुरम पर क्या करना है सर? दीपांशु, मुझे स्ट्रेंथ दिखती है 115, जैसे ही ये ब्रेक करेगा मुझे लगता है 120 तक वन वे जाना चाहिए एक से दो दिन में, तो आपको अगर यहाँ पे लेना है, हल्का सा नीचे आएगा और ऐड करें, आपका स्टॉप लॉस 112 का होना चाहिए, और 115 जैसे ही ब्रेक होता है इसमें और मतलब ऐड करें, बड़ी मूव 115 से 120 एक दिन में आ सकती है। 15 से 120 की बड़ी मूव आपको आती हुई दिख सकती है, मनापुरम फाइनेंस पर एक मूव आ रही है इस समय भी, अगर आप देखें 114 के लेवल पर अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये काउंटर। अभी अभी एक स्पाइक आया भारत डायनामिक्स में, एक बार कुणाल जी से इसके चार्ट पर राय लीजिए। कुणाल जी, अभी मूव आई है 1.5% ही ऊपर है, कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं है, बट पिछले 5 मिनट में एक स्पाइक जरूर इस चार्ट पर दिखा है, क्या चल रहा है सर भारत डायनामिक्स, देखें जरा। देखिए लगातार ही आउट परफॉर्मिंग रहा है दीपांशु, और एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें कल के ट्रेड में देखने को मिला था। आज ये स्टॉक शुरुआत में सुस्त था, अभी जैसा आपने कहा कि अभी अभी इसमें एक स्पार्क आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 1060 के आसपास रखें, मुझे लगता है 1200 की ओर स्टॉक अग्रसर है। ओके, 1200 पर ये काउंटर आ सकता है, थोड़ा इसको रोटेट भी करिए, पिछले एक हफ्ते में भी अच्छी गेन आई है, पिछले 5 दिनों में अगर आप देखें 12.5% ऊपर ये काउंटर है, एक महीने में हमने देखा है करीब 13% की मूव आ चुकी है, इस साल 20% की रैली इस पर आ चुकी है, तो भारत डायनामिक्स में कुछ ना कुछ एक्शन तो बन ही रहा है और काफ़ी एक्टिव ये काउंटर दिख रहा है इस समय। कोल इंडिया, जिसमें ऑफर फॉर सेल फिलहाल चल रहा है, नॉन रिटेल हिस्सा आज खुला है, पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया है, वहां पर मई महीने के आउटपुट का डेटा आपके सामने आ रहा है, आउटपुट तो अच्छी बढ़त दिखा रहा है, 9.5% का आउटपुट बढ़ोतरी हुई है साल दर साल के बेसिस पर, अगर आप देखें करीब 9.5% की बढ़ोतरी आपने देखी है, बिक्री में भी 4% की बढ़ोतरी आपने आती हुई देखी है, तो आउटपुट और बिक्री डेटा दोनों ही अच्छा आते हुए दिख रहा है जहां तक कोल इंडिया का सवाल है। आज ऑफकोर्स चार्ट थोड़ा प्रेशर में जरूर है क्योंकि इसका ऑफर फॉर सेल चल रहा है, बट 225 का फ्लोट प्राइस है, 230 के इर्द गिर्द हमने देखा है थ्रू द डे इस काउंटर में ट्रेड हुआ है और अभी भी उसी लेवल पर है, तो कोल इंडिया इसको भी अपने रेडार पर रखिए, मूव इस पर अभी आ रही है, अपडेट भी आपके सामने आया है। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिखती है, NBFCs पर करें फोकस, बैंक निफ्टी थोड़ा आपको सुस्त जरूर दिखेगा एक दो बैंक्स की वीकनेस की वजह से, बट NBFCs में बड़ा एक्शन बन रहा है, अभी मनापुरम की हमने बात करी, PNB हाउसिंग भी देख लीजिए, आज 4.5% ऊपर है, डेज हाई से थोड़ा नीचे जरूर है, बट बंसल जी PNB हाउसिंग जरा एक बार देखें सर, अच्छी मूव है, गेन्स होल्ड कर रहा है थ्रू द डे, इसने अपनी गेन्स होल्ड करी, अभी भी 530 के आसपास ट्रेड हो रहा है सर।
दीपांशु बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है इसको, कल मैंने और कुणाल जी ने इसको जॉइंटली रिकमेंड भी किया था, तो जिनके पास है होल्ड करें। और काफी लोग 700 के ऊपर फंसे हुए हैं, तो उस तरफ ये स्टॉक कूच कर रहा है। जिनके पास है कल भी बोला था कि होल्ड करें और एवरेजिंग की राय भी दी थी, आज तो थोड़ा गैप अप है, तो होल्ड टाइट सिट टाइट, करेक्शंस पे खरीदें, करेक्शंस पे खरीदें, क्योंकि लेवल से इस काउंटर ने बढ़िया होल्ड करे हैं अपने, और अभी भी अगर आप देखें तो अच्छा एक्शन हो रहा है। तो एनबीएफसी का रोटेशन है, इसको इस पर थोड़ा आप फोकस करिए, और स्पेशली मनापुरम में मूव आई है। एमएनएम फाइनेंस देखिए, इसमें मूव आपको आती हुई दिख रही है। पीएनबी हाउसिंग की हमने बात करी, यहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्शन बन रहा है, आपको आती हुई दिख रही है। पीएनबी हाउसिंग की हमने बात करी, यहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्शन बन रहा है। तो ये कुछ एनबीएफसीज हैं जहाँ पर एक्शन है। पीरामल एंटरप्राइजेज में भी आपको थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है। पर आइए, 2:30 बज चुके हैं और करते हैं स्वागत सिटी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा दोनों कैश मार्केट के? आज तो वही होंगे जब इतना सारा एक्शन सब कैश मार्केट के शेयरों में, सिर्फ ये बताओ दो ही है कि ज्यादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी स्टॉक्स तो दो ही है, वैसे आपको अगर ज्यादा चाहिए थे तो ज्यादा आ सकते थे, बट दो ही स्टॉक दे रहा हूँ अनिल जी आज जी सर। और अनिल जी एक अपडेट भी है, कल वाला स्टॉक देखिए, कल डेटामेटिक्स मैंने इस समय रिकमेंड किया था 460 रुपए के लेवल्स पे, ये 2:30 बजे ही सदावर सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स में। आज अभी 10% का सर्किट लगा हुआ है, 517 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत राइट टाइम पे आइडेंटिफाई किया हुआ स्टॉक और एक ही दिन में उसमें 10% के सर्किट लग गए। बहुत बधाई सर, बहुत ही जबरदस्त भागा एकदम, क्या बात है, 50 रुपए एकदम तगड़ा वाला है एकदम जबरदस्त, बिल्कुल 10% के ऊपरी सर्किट तक भी पहुंचा है, अभी भी मौजूद सारे के सारे टारगेट्स आ गए हैं। बधाई सर, बधाई। अब आज का पहला पिक सर। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, स्टॉक का नाम है IRB इंफ्रा, जो अभी 28.60 रुपए पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है इसके 32 रुपए के, स्टॉप लॉस रखता है 27 रुपए का। ये एक भारत की लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स बनाती है। 40 साल से ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है, और अनिल जी इसको तो इसलिए भी बार बार याद किया जाता है बिकॉज जो भारत का सबसे बिजिएस्ट एक्सप्रेस वे है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, वो यही ऑपरेट करती है, वहां पे इनका TOT बेसिस पे काम है, मतलब टोल ऑपरेट और ट्रांसफर, इस मॉडल पे ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे को ये मेंटेन करती है। बाकी गंगा एक्सप्रेस वे भी बना रही है ये कंपनी। फिर पूरे भारत में 10 स्टेट्स में इन्होंने 12,000 किलोमीटर तक के रोड प्रोजेक्ट्स किए हैं, और ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे का जो नेटवर्क बन रहा है उसमें भी 20% शेयर इनका है। एक जबरदस्त कंपनी है, स्ट्रांग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक, रेगुलर इंटरवल पे अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। बाकी दो जो इंफ्रा इन्विट्स है उनमें स्टेक है इनका। फिर क्रिसिल ने हाल ही में इनकी रेटिंग को भी अपग्रेड किया, और बाकी जिस तरह से सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, ये सब सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है। मैंने एक ITD सीमेंटेशन नाम याद आता है, जो स्टॉक को मैंने कई बार पिछले साल भर में 5-6 बार रिकमेंड किया, अभी लास्ट टाइम 28 फरवरी को 97 रुपए पे रिकमेंड किया था, वो आज 165 के लेवल्स पे है, मतलब 70% के अपसाइड 3 महीने में हो गए। आज NCC को देखिए, वहां पे भी एक अच्छी तेजी चल रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी फंडामेंटली बहुत अच्छा। और इसमें एक और खास बात है कि एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट है फेरोवियल नाम की कंपनी स्पेन की, जो 9 देशों में प्रेजेंट है, मतलब 9 कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है। उनकी सब्सिडियरी है सिंट्रा, वो इस कंपनी में 24.86% एक सब्सटेंशियल स्टेक ओन करती है। फिर GIC सिंगापुर भी है इसमें। तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, स्टॉक स्प्लिट हुआ पिछले साल में और चला भी नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए 32 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए IRB इंफ्रा, 32 का टारगेट, खरीदारी इस पर करनी है। सिरी साहब दूसरी कॉल सर। दूसरा स्टॉक है दीपांशु आज का गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जो अभी 245 के लेवल पे है, 265 के टारगेट और 235 का स्टॉप लॉस। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कॉर्न प्रोसेस करने वाली कंपनी है, मेज को प्रोसेस करती है, और भारत की नहीं अगर आप चाइना को छोड़ दें तो एशिया की सबसे बड़ी कॉर्न प्रोसेसर है। बाकी 25% का भारत में मार्केट शेयर है, क्लाइंट लिस्ट जबरदस्त है, डाबर, पतंजलि, ITC, HUL, नेस्ले, कारगिल, फिर पार्ले, इन सब को कैटर करती है, और 30% से ज्यादा रेवेन्यूज इनके एक्सपोर्ट से आते हैं। और बाकी ये कंपनी अब एल्कोहल और एथेनॉल इन कारोबार में भी फोरे कर रही है, FY 24 में इनका ये चालू हो जाएगा। फिर फर्मेंटेशन के बिजनेस में भी कदम रख रही है, जो कि एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बिजनेस रहेगा, वहां पे प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटी है। केपेक्स किया इनके मालदा प्लांट में, उत्तरांचल के प्लांट में, और कल परसों एक खबर भी थी कि सरकार कुछ
1,00,000 करोड़ का स्कीम को अप्रूवल दिया है ग्रीन स्टोरेज कैपेसिटी भारत में बढ़ाने के लिए, तो उसका भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जैसी कंपनी होती है। बाकी फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.09, वैल्यूएशन के लिहाज से भी 17 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है और शेयर होल्डर लिस्ट भी बहुत अच्छी है, जो एक मेरा पसंदीदा और जो एक अच्छा इन्वेस्टर है MIT वो भी इसमें 1.62% स्टेक ओन करता है। ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी और स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है, लगता है बिल्कुल चलने को तैयार है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह 265 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये आपके लिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इस पर करें खरीदारी। हमारे रिडार पर तो लंबे समय से है ही स्टॉक, और IRB इंफ्रा एक और स्टॉक जिस पर हमारी बात हुई है, सेठी साहब को भी बहुत पसंद है, दोनों काउंटर्स खरीदारी करके चलिए, अच्छी शॉर्ट टर्म गेन्स दिखा सकते हैं। शुक्रिया सेठी साहब आज की स्ट्रैटेजी, आज की कॉल शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी से भी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं और जानते हैं कि इस समय आपको क्या करना है बाजार में, डेटा क्या कह रहा है, बिगुल स्ट्रैटेजी का। सर डाउ फ्यूचर्स डेज हाइपर ट्रेड कर रहे हैं, एक्चुअली 40 पॉइंट ऊपर है, थ्रू द डे सुस्ती रही हमने देखी अमेरिकी फ्यूचर्स में। आज सुबह डेट डील की जब पास हो गई कांग्रेस में तब भी कोई रिएक्शन नहीं आया, अब थोड़ा एक्शन आ रहा है, जो आप कह रहे हैं सुबह उठे अमेरिकी और वहां से आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। आज सुबह 4:30 बज रहे हैं US में इस समय, तो नकल मार रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, अब कॉपी कर रहे हैं, सुबह से वही काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ठीक हो रहे हैं पीछे पीछे ये भी ठीक हो रहे हैं, ये भी ठीक हो रहे हैं। सर यूरोप के बाजार भी ठीक हो रहे हैं, कल 1.5% गिरे थे, आज आपको 0.5% से 1% ऊपर दिख रहे हैं जहां तक यहां का सवाल है। एशिया ठीक ठाक था, उतना खराब नहीं था जितना कल हमने एशिया का देखा था, तो एशिया भी ठीक ठाक है, हमारे बाजार भी ठीक ही है। थोड़ी अभी बैंक निफ्टी में बिकवाली आई थी, 44,000 के नीचे आए, 200 पॉइंट नीचे, अदरवाइज हमारे बाजार भी ठीक है। सर क्या करना है इस समय? 18,500 के आसपास निफ्टी है, फ्रेश कमजोरी 18,475 के नीचे होगी, और अगर आप 3 बजे के पहले 18,475 को तोड़ देते हैं तो आपके लिए समस्याएं बढ़ सकती है, और क्यों बढ़ सकती है वो बता दूं, 2.25 करोड़ शेयर 18,500 के पुट पर हैं और 1 करोड़ से ज्यादा शेयर 18,550 के। बेसिकली अगर 18,500 के नीचे आप जाते हैं, 2, 1, 3, 1, 4 करोड़ से ज्यादा पुट राइटर्स रिस्क पर आ जाएंगे आज की एक्सपायरी के लिए आज से, तो फिर आपके लिए 18,475 के नीचे जो सपोर्ट सीधा ढंगढांग आता है वो 18,400 के आसपास का आता है, वो 400 पे आए 425 पे आए अलग बात है, तो बेसिकली 75 पॉइंट तक की जगह खुल जाती है पॉइंट नंबर। अब वहाँ गिरना चाहिए जाएगा क्या, संभावना है कम, क्यों कम है? पहली चीज़ तो कि पुट से लिहाज से अच्छा सपोर्ट लेवल है, दूसरा तकनीकी तौर पर भी 2-3 दिनों से आप 18,475 को होल्ड कर रहे हैं तो जाएंगे नहीं, तीसरा डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे ठीक हो रहे हैं, तो इसलिए 18,475 अपने लिए की लेवल है बचे हुए समय के लिए, और 3 बजे तक इसको नहीं तोड़ना है ये ध्यान रखिए, टूटकर अगर टिका तो मामला मुश्किल हो सकता है 3 बजे तक, 18,475 ठीक है, जब तक ये नहीं होता 18,475-18,525 सपोर्ट जोन में घूम रहा है या घूमने दीजिए, तो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, बट एक्सपायरी का दिन है, कभी कभार ऊपर नीचे कुछ हो जाए हो जाता है। तो थोड़ा वो आपको एकदम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, बस लेवल को रेस्पेक्ट करते रहना है, ठीक है, होना नीचे, लेकिन हो जाए तो फिर अपने को स्ट्रेटजी तुरंत बदल लेनी है, ठीक है भाई, ठीक है मार्केट नहीं सुन रहा, जा रहा है नीचे जाना चाहता है, ठीक है। अब आइए ऊपर की तरफ, 18,550 पर 1.5 करोड़ शेयर खड़े हैं कॉल राइटर्स, और 18,600 पर 2.75 करोड़ शेयर, खतरनाक कॉल राइटिंग हुई है, तो इसलिए नीचे आ रहा है दीप, और इसलिए 18,575-625 की रेंज में अगर ऊपर आता है तो आपको काट लेना है, और 18,550 के ऊपर निकलकर अगर 3 बजे के पहले टिक जाता है, देखो नीचे की तरफ 18,475 ऊपर 18,550 के ऊपर टिकता है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो 600-625 तक ले जा सकती है, बस इससे ज़्यादा तो 18,600 के ऊपर की एक्सपायरी होने की उम्मीद आप करिए मत, और अभी डेटा ये बता रहे हैं कि शायद 18,500 के नीचे भी बंद ना हो, फिलहाल ये है, तो इंडेक्स में अभी तक भी बड़ा मूव आया नहीं है, और शायद ना आए तो बढ़िया, क्योंकि आए तो थोड़ा नीचे की तरफ का ज्यादा बन रहा है मामला पिछले 15 मिनटों से, इसलिए 18,475 एक ही लेवल ध्यान में रखिए, ठीक है सर। बैंक निफ्टी 44,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 44,000 के पुट पर 1,17,00,000 शेयर हैं और 44,100 पर 85,00,000, यानी कि दोनों मिलाकर 2 करोड़ शेयरों की पुट की पोजिशन है, वो थोड़ी सी रिस्क में आ रही है क्योंकि आप 44,000 के नीचे ट्रेड करें, तो 3 बजे तक आपको 44,000 के नीचे रहना नहीं है, ऊपर आ जाना है, अगर नीचे रहेंगे तो नीचे की रिस्क खुलती है, और वो रिस्क खुलती है 43,825 पहला टारगेट है, उसके बाद 43,675-700 तक की रिस्क खुलती है, अगर गलती से 43,675-700 अगर आज आखिरी एक घंटे में आता है तो वहाँ पे आपको 100% खरीदना चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं, 44,200-44,300 के रेंज में भरपूर सप्लाई है,
1,13,00,000 शेयर, 1,14,00,000 शेयर, बहुत कॉल राइटर्स भर भर के कर रहा है, तो न आपको 43,300 के ऊपर की, 44,300 के ऊपर की क्लोजिंग तो आज मिलेगी नहीं, तो अपसाइड तो आपको साफ दिख रही है। निफ्टी में भी अपसाइड साफ दिख रही है, 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी। नीचे 18,500 को होल्ड कर लें और अगर नीचे यहाँ पर 44,000 को होल्ड कर लें तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। अदरवाइज थोड़ी 75 पॉइंट की रिस्क निफ्टी में, 200 पॉइंट की रिस्क बैंक निफ्टी में खुलती है, बस ये लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। गॉट इट, सिंपल, ठीक, बहुत क्लियर कट डेटा है। गॉट इट, चलिए तो ये है आपके लिए अंजी की तरफ से राय इस समय, थोड़ा लेवल्स को फॉलो करें, रिस्पेक्ट करें कॉशियसली, यहाँ पर आपको मूव बनती हुई दिख रही है बाजार में। आइए फिर कुछ और स्टॉक्स भी बात करते हैं और कुछ और बढ़िया लिंक्स भी हमारी टीम लेकर आ रही है, बट उससे पहले श्रीकांत जी है हमारे साथ तैयार और उनका करते हैं स्वागत। श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून सर, बढ़िया एक्शन हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में बनते हुए दिख रहा है और स्पेशली कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं जहां पर सुबह से एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। लॉरस ग्रैन्यूल्स डिवीज यहां पर तो हमने सुबह बात करी ली थी, अच्छे एक्शन में भी ये काउंटर आपको दिख रहे हैं। एक बार ग्लेनमार्क फार्मा पर भी नजर डाली, यहां पर भी एक मूव आ रही थी और सिप्ला, इसको भी अपने रेडार पर रखिए, यहां पर भी एक हमने अच्छी मूव आती दिख रही है। तो फार्मा में बड़ी तेजी बनी हुई है सर, जरा राय दें अपनी, ग्लेनमार्क देख लें या सिप्ला देख लें, इनफैक्ट सिप्ला देख लेते हैं क्योंकि डेज हाई पर सिप्ला इस समय आ गया है, 1% ही ऊपर है बट मूव अच्छी दिखा रहा है, क्या करना है सर इस चार्ट में? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है कि जितने भी फार्मा स्टॉक्स है और उसमें से जो फ्रंटलाइनर्स है यानी कि सिप्ला है, सन फार्मा है, वहां पे स्पेसिफिकली इंटरेस्ट बना हुआ है और ये जो लास्ट 10-15 डेज के अगर मूव को देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी हुई है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद इसमें वापस एक फ्रेश बाइंग फ्लोज आए हैं और इसी वजह से ये सब लार्ज कैप चल रहे हैं। और करंट लेवल से अगर मैं सिप्ला की अगर बात करूँ, जैसे आपने बताया अभी, तो 963 965 के करीब, इनफैक्ट 960 के करीब इसमें काफी बड़ा रेजिस्टेंस था, इसे इसने 3-4 दिन से काफी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब किया है, तो जो नेक्स्ट लेवल्स बन के आ रहे हैं वो 1000 से लेकर 1020 के हैं और मुझे लगता है कि इसने जो एक एंटायर फॉल दिखाया था 1200 रुपए से ये गिरते गिरते 850 रुपए जो आया था, आई थिंक उसी का एक पुल बैक चल रहा है, तो ये पुल बैक में शायद 1100 रुपए के लेवल तक भी जा सकता है, लेकिन करंट लेवल पे वेरी शॉर्ट टर्म व्यू से अगर लॉन्ग करना है तो जो आज के लोज है 945 के, उसे एज अ स्टॉप लॉस रखें, 1000 का टारगेट रखें। और दीपांशु मैं कहूंगा कि सन फार्मा यहाँ पे भी फॉर्मेशन काफी बढ़िया बना है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स है और ये भी स्टॉक मुझे लगता है कि 988 के करीब ट्रेड कर रहा है, शायद ये भी 1010 के लेवल्स दिखा सकता है। ये है आपके लिए सन फार्मा पर राय। सन फार्मा आज पसंद आता दिखा है अभी क्लोजिंग शो की शुरुआत में कुणाल जी, राकेश जी को, और फार्मा शेयरों पर सुबह से हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं बेहद बुलिश। आइए एक स्टॉक जिसको लेकर मंदी और तेजी दोनों का व्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है, वो स्टॉक है इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो। इंडिगो 2350, तेजी करें या मंदी डिसीजन आपका है, लेकिन आपको डिसीजन लेने में मदद करने के लिए तैयार हैं कुशल और वरुण। तो आइए जानते हैं तेजी के तर्क क्या है, बताएंगे कुशल, मंदी क्यों करनी है, वरुण के पास है सारे कारण। आइए कुशल आप शुरुआत कीजिए। बिल्कुल सर, शुरुआत करने की बड़ी वजह यह भी बन रही है कि जिस तरह की प्राइसिंग है यहाँ पर बहुत ही शानदार अब आती हुई दिख रही है, क्योंकि निवेशकों का भरोसा यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, पर निवेशकों के साथ साथ पैसेंजर्स का जो भरोसा है उसमें आप ट्रैफिक देखिए, यहाँ पर FY24 के लिए एक्सपेक्टेशन है कि ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक जो है वो करीबन 15% तक बढ़ती हुई नजर आएगी। यही नहीं, ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, साथ ही भाड़ा भी बढ़ रहा है, यानी कि जो किराया है आप देखिए फ्लाइट्स का, वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से कंपनी की रियलाइजेशंस में आपको बेहद मजबूती बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही कच्चे तेल यहां पर जो इनपुट कॉस्ट है इनका, वहां पर भी लगातार कमी आती हुई दिख रही है। आज सुबह भी हमने देखा कि ETF की कीमतों में गिरावट होती हुई नजर आई, तो क्लियर कट दोनों ही यहां पर जो फैक्टर्स हैं इनके लिए इनके फेवर में वर्क कर रहे हैं और इसी वजह से मार्केट इसको इस तरह की वैल्यूएशन दे रहा है। डेफिनेटली एविएशन कंपनियों का तो फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, ट्रैवल बढ़ रहा है, ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ रही है, लेकिन कभी भी मुनाफा ढंग का इनका आता नहीं है, जब देखो तब घाटा करते रहते हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है पूरे एविएशन इंडस्ट्री की है, मैं सिर्फ इंटर ग्लोब की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडस्ट्री का ये हाल है। और ऊपर से इंटर ग्लोब काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, आप देखिए कभी घाटा कभी मुनाफा, एबिटार लेवल पे तो इनका क्या चलता है यही जाने, साथ ही साथ कुछ नहीं बढ़ा तो कर्ज बढ़ गया। FY22 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो करीब 15% के आसपास इस कंपनी का कर्ज बढ़ा है, यानी कि बैलेंस शीट के जो हाल है वो इतने अच्छे नहीं है, स्टॉक प्राइस के अच्छे हैं, 25% स्टॉक प्राइस बढ़ गया है, उसके सामने डेट जो है 15% बढ़ चुका है।
बिल्कुल, तो डेट नेट डेट के लेवल पे यहाँ पर 15% की बढ़त तो हुई है वरुण, पर साथ साथ आप जैसे कि बता रहे हैं कि पिछले दो महीनों में हम देख रहे हैं कि करीबन 25% के गेंस यहाँ पर आते हुए भी नजर आए हैं, और इस पर बुलिशनेस और ज्यादा भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं आपको कहूंगा 57.5% का इनका अप्रैल महीने में मार्केट शेयर आता हुआ दिखा है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके साथ ये इंडस्ट्री लीडर है, और आप देखिए एविएशन कंपनियों में मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि 90,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप कोई कंपनी खासकर एविएशन स्पेस में, भारतीय एविएशन स्पेस में क्लॉक इन करती हुई नजर आती है, जबकि स्पाइस जेट का 1500-1600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अब यहाँ पर इसको एक बड़ी वजह यह भी बन रही है कि गो फर्स्ट की दिक्कतें जो जारी है, जिस तरह से वहां पर स्केड्यूल्स नहीं है अब, तो वहां पर उनका जो मार्केट शेयर है वो इनको गेंस आता हुआ दिख सकता है, और बाजार में जो एनालिस्ट हैं जो इसको ट्रैक करते हैं वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3% का और फर्दर मार्केट शेयर गेंस यहाँ पर आ सकते हैं, तो 60% के पार इनका मार्केट शेयर अब जा सकता है। जिस दिन टाटा का एविएशन लिस्ट हो गया ना, इसके वैल्यूएशन आधे हो जाएंगे, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तगड़ा कॉम्पिटिशन वहां से आ रहा है। आप देखिएगा, नो डाउट ये मार्केट लीडर है, लेकिन जिस तरह से कॉम्पिटिशन अब बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा चिंता की बात है। आप देखिए टाटा ग्रुप जो है, उन्होंने अभी जो एक्विजिशन किया उसके बाद वो एयरलाइंस में फोरे कर चुके हैं, अकासा यहाँ ये जो है नया प्लेयर आ चुका है मार्केट में, तो इस पूरे कहीं ना कहीं सिस्टम में नए प्लेयर्स जो है वो अब आते जा रहे हैं। दिक्कतें आगे हो सकती है इंटरग्लोब को हो, अगर आप देखिए स्पेस में स्पाइस जेट एक है जिसको यू नो उतना वैल्यू देते नहीं, जेट एयरवेज तो बंद ही पड़ी है, तो एक सिर्फ मात्र इंटरग्लोब है मेरे ख्याल से उसके वैल्यूएशन कम्फर्ट इसको मिल रहे हैं। जिस दिन अकासा या टाटा आ जाएगा उस दिन कॉम्पिटिशन तो वैसे बढ़ ही रहा है, वैल्यूएशन को लेकर भी दिक्कत हो सकती है। देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, वैल्यूएशन को लेकर दिक्कत हो सकती है, पर साथ साथ जो संस्थागत निवेशक हैं उनका भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। जून 2022 में जो भी इनकी हिस्सेदारी थी, चाहे FIIs कहें या फिर DIIs, लगातार वहां पर इंक्रीज हुए हैं, और अब 29% का कुल मिलाकर दोनों की हिस्सेदारी FIIs और DIIs की यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि फंड हाउसेज जो हैं यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा है, फंड हाउसेज खरीदारी कर रहे हैं, FIIs का भरोसा है, लेकिन प्रमोटर्स को लेकर जो दिक्कत है, हमेशा एक हैंगओवर है इस काउंटर पे। आप देखिए प्रमोटर्स के तरफ से अभी भी हिस्सा बिक्री बचा है, और जिस तरह से आपने देखे प्रमोटर्स के इशू को लेके, हो सकता है आगे ये एक हैंगओवर इस काउंटर पे हमेशा बना रहे। चलिए डेफिनेटली ये भी देखना होगा, पर साथ ही सिटी की भी राय आ रही है, यहाँ पर भी इन्होंने लक्ष्य सिग्निफिकेंटली बढ़ा रही है, तो ब्रोकरेज हाउसेज की पॉजिटिव रिपोर्ट है, ओवरवेट की राय देते हुए नजर आ रहे हैं, लक्ष्य भी 2761 का पहले इन्होंने दिया था, अब आप देखिए ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास इंडिगो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ये दे रहे हैं अब 3126 का, 3000 के ऊपर का टारगेट, 3000 के ऊपर का दे रहे हैं, लेकिन 2000 के नीचे का टारगेट जो है वो जेफरीज ने दिया है। अंडर परफॉर्मर का कॉल जो है वो जेफरीज ने दिया है, 1950 के आसपास के लेवल जो है वो जेफरीज के यहाँ सुझा रहे हैं। इनफैक्ट कुशल मैंने कल ही कह दिया था मैं रेलवे पे बुलिश हूँ और एविएशन पे कहीं ना कहीं बेरिश हूँ, IRCTC पसंद आता है, इंटरग्लोब बिल्कुल नहीं। थोड़ी सोच बड़ी करो क्या जोड़ू अनिल जी, ट्रेन छोड़ो फ्लैट पे आओ कुशल। नहीं अनिल जी, ट्रेन की क्वालिटी जिस तरह से सुधर रही है ना आजकल, प्लेन का मजा दे देती ट्रेन। ये बात तो सही है, ट्रेन की क्वालिटी सुधर रही है, प्लेन की खराब हो रही है, तो दोनों एट पार आ रहे हैं, सिर्फ किराए के मामले में मामला अभी भी मतलब ये कि तो फ्लाइट का किराया क्या हो गया जबरदस्त, मतलब वीकेंड पर अगर आपको अचानक से ट्रेवल करना आ जाए तो बहुत हालत खराब है। किसी ने कल ट्विटर पर कोई स्क्रीनशॉट डाला था, आप दिल्ली टू पेरिस की फ्लाइट और दिल्ली से लद्दाख की फ्लाइट, दिल्ली टू पेरिस और दिल्ली टू लद्दाख, पेरिस सस्ता है, पेरिस सस्ता है, चले वही बेटर है। नहीं नहीं वाकई में मतलब इंटरनल फ्लाइट बहुत ही महंगी हो चुकी है, बहुत बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, तो पूछो मत। एनीवे फायदा इंटरनल फ्लाइट महंगी होने का सबसे ज्यादा तो इंडिगो को ही मिलता है। आइए कोई वॉलेंटरली थर्ड एम्पायर बनना चाहता तो बताए, नहीं तो फिर मेरे पास में तो ऑप्शन है ही है, मैं पूछ ही सकता हूँ। जैन साहब एम्पायरिंग करने के लिए है तैयार, जैन साहब निष्पक्ष एम्पायर बनना पड़ेगा, आपकी कोई वरुण से कुशल से कोई दोस्ती कोई डिस्क्लेमर? यार देखिए मैं बहुत अलग तरीके से राय देने वाला हूं अनिल जी, बहुत एनालिसिस की है। पहले तो मैं वरुण जी का जो एक ऑब्जेक्शन था ना कि ये प्रॉफिट्स में नहीं आती है, वो ओवर रूल कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वार्टरली प्रॉफिट्स, दो क्वार्टर से प्रॉफिट्स में है, और इंडिगो और इंटरग्लोब एविएशन जो भी बोले है, ये कंपनी एक अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया कि पूरे इंडिया में जितनी भी एविएशन सेक्टर की कंपनी है उसको हटकर ये कंपनी बहुत बढ़िया की है। हालांकि ठीक है पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव बुक वैल्यू पे है, बट अगेन मैं देख रहा था अभी जो सारे पैरामीटर्स है उन सब में, हालांकि मैं वैसे ओवरऑल देखे तो मैं कभी भी, आपने देखा होगा या याद होगा कि मैंने एविएशन स्टॉक्स से एयरलाइन स्टॉक्स कम रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे ये प्योरली क्रूड ऑयल के प्ले लगते हैं और पहले मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता था, बट अब
क्योंकि डेट्स बहुत ज्यादा है, इसके भी 44-45 हजार करोड़ के डेट्स है, तो वरुण जी उस जगह पे सही है। बट अगेन एक जगह गुप्ता जी के साथ में रहूंगा कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दिए हैं, फिर जो इनका ट्रैफिक है गजब का बड़ा है ट्रैफिक, और इस बार 54-55 हजार करोड़ का टॉप लाइन, मतलब जो 27-28 हजार करोड़, और अगर आप जब कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो हम लोग उसको प्राइस टू सेल्स पे देखते हैं, जैसे हम स्टार्टअप्स को देखते हैं तो प्राइस टू सेल्स रेशियो जो अभी इस कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बोल लीजिए 1.5-1.6 जो जनरली 3 टाइम 4 टाइम रहता है, तो उस क्राइटेरिया पे ये लोएस्ट है। फिर फेयर्स गजब के बढ़ रहे हैं जो आपने अभी कहा, और फिर कॉम्पिटिशन कम हुआ क्योंकि एक कॉम्पिटिटर अच्छा खासा हट गया, अगर कोई ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट रहता और ज्यादा प्लेयर्स नहीं रहते उसमें एक प्लेयर भी हटता है तो बहुत बड़ा फायदा होता है। और क्रूड ऑयल तो सोने पे सुहागा ही है, हमने आज भी सुना कि ऑलरेडी क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ATF के प्राइसेस भी घटाए हैं। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। एक चीज और है, मैं वरुण जी के साथ एक साथ चीज में सहमत रहूंगा, काफी बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका, बट इतना बड़ा मूव देने के बाद भी, हालांकि लाइफ टाइम हाइस के आसपास पहुंच चुका अपना और क्रॉस ही कर दिया होगा तो पता नहीं, बट इतना बड़ा मूव देने के बाद भी प्राइस टू बुक वैल्यू, ये जो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो बहुत कम है, और सेल्स अभी आगे और बढ़नी ही है जिस तरीके से माहौल बना हुआ है। सो लेट्स सी, मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है वो थोड़ा करेक्शन पे बाय कर सकते हैं, बट ये मेरा प्योरली फंडामेंटल कॉल नहीं है, ये मैं मार्केट्स का माहौल अच्छा बना हुआ है और बाकी सारे टेक्निकल्स पूरे अनुकूल है इसके, जो फंडामेंटल टेक्निकल बोलते हैं, तो इसलिए मैं बाय की राय ऑन डिप्स देता हूं, और मैं गुप्ता जी के साथ। मतलब ये जो कौन सी जो लास्ट लाइन है वही याद रखनी है हमें, या बाकी सारा जो पहले बोला? अगर भाई साहब आपको थर्ड एम्पायर बना दे क्रिकेट में तो मैच खत्म होने तक तो आपका रिजल्ट ही ना आए। हाँ, पता ही नहीं चला किसके साइड पर है। उंगली उठाने तक ठीक है, लोग एक्सेप्ट कर सकते, हाथ नहीं उठाना सर। तो फाइनली मतलब क्या रहा, मतलब हम पहले हमको लगा कि आप वरुण की तरफ जा रहे हैं, फिर हम लगा नहीं ये तो आप कुशल की तरफ जा रहे हैं, फिर वापस कुशल से वरुण की तरफ आए, फिर इधर, तो फिर हमने छोड़ दिया, हमने कहा लास्ट में ही देखेंगे। अच्छा, जब आप लास्ट में बोले थे तो हमारा ध्यान ही नहीं रहा। तो आप बताएं फाइनल डिसीजन क्या है आपका? नहीं, मैं बाय ऑन डिप्स है गुप्ता जी के साथ। गुप्ता जी, ओके गुप्ता जी, कांग्रेचुलेशंस आपको, बड़ी मेहनत के बाद, मतलब जैन साहब की बड़ी मेहनत के बाद आपको मिलता है इंडिगो में बुल होने का तोहफा। ओके, तो यह है, और श्रीकांत जी भी बहुत जोर से मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, लगता है चार्ट पढ़ लिए श्रीकांत जी ने। श्रीकांत जी जरा राय दीजिए चार्ट पर, बताइए सर। बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। बंसल जी, आपकी टिप्पणी चार्ट के हिसाब से तो होगी नहीं, तो पहले आप कर दीजिए, बताएं। नहीं अनिल जी, मैंने तो दोबारा हाथ जब खड़ा नहीं करा, सब कुछ तो बोल दिया, लेकिन मैंने अभी भी अनिल जी देखा, जब आपने बोला श्रीकांत जी मुस्कुरा रहे हैं चार्ट पढ़ लिए होंगे, तब कुणाल जी को देखा अनिल जी आपने, वो तो चार्ट के अंदर घुस गए अनिल जी, नहीं देखा श्रीकांत जी को बोलना है, तो मैं तो कुणाल जी को देख रहा था अनिल जी घुसे हुए थे, दिखते कैसे नहीं करी नहीं अनिल जी, कुणाल जी चार्ट के अंदर घुस गए, आप थोड़ा सा बैकवर्ड कराइए ना अनिल जी, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में बोलिए अनिल जी, अरे घुसे दिखाइए कुणाल जी को, पूरा चार्ट के अंदर घुस गए थे वो, तो घुस गए तो दिखेंगे कैसे, बाहर होते तो दिखते ना, इसलिए नहीं दिखे, बराबर है, आई एम राइट। बताइए श्रीकांत जी, बताइए चार्ट। नहीं बिल्कुल, डिस्कशन इतना लंबा था कि हम लोग चार्ट को कभी सीधा दिख रहे थे, कभी उल्टा दिख रहे थे। जैन साहब ये तो कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ही बोल रहा है, हम हमारा इनसे कोई क्या, अच्छा श्रीकांत जी हमने कोई आपके ऊपर प्रभाव डाला हो, इन्फ्लुएंस डाला हो कि ऐसा बोलना है, ऐसा कुछ है तो नहीं ना, आप पूरे होशो आवास में अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं, राइट? जी सर बताइए। मुझे लगता है वरुण को है ना शंकर शर्मा जी को मिला के देना चाहिए। अच्छा, काफी काफी मंदी की बातें करते हैं वो आजकल, मैं हमेशा देखता हूँ हर एक शो में उनका जो रहता है वो निगेटिव अप्रोच है, पहले से इतने करे, ये तो आजकल नए शंकर शर्मा आशु जी हैं। ये उनसे प्रभावित है काफी। जी सर बताइए, तो चार्ट पे बताइए। यस, तो इंडिगो के चार्ट अगर देखे जाए तो काफी अच्छे इनफैक्ट चार्ट बने हैं, और ऐसा अगर प्राइस पैटर्न अगर बनता है तो मैंने मोस्टली देखा है कि वो हायर हाइज बनाते जाता है, शॉर्ट टर्म में यस करेक्शन आ सकता है क्योंकि काफी चला हुआ है स्टॉक, 1800 के करीब था, लगातार 2400 के करीब आ गया है, लेकिन प्राइस पैटर्न इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक 2800 के लेवल्स दिखा सकता है, तो यहाँ से कोई भी करेक्शन अगर आता है मुझे लगता है कि शायद 2250 के नीचे नहीं जाएगा, 2250-2300 के रेंज में इसे खरीदे, टारगेट्स रखे 2700 और 2800।
2700 और 2800 के टारगेट्स इंटरग्लोब एविएशन में आ रहे हैं। आई थिंक एक ट्रेडिंग कॉल भी है श्रीकांत जी की तरफ से, आई पहले एक बिगुल उनके लिए भी बीटीएस स्टेबिलिटी का। बताएं सर। बिल्कुल, तो देखिए दीपांशु, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स ये एक स्टॉक ऐसा है कि जो अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक आ चुका है, यानी इमीडिएट बेसिस पे डेढ़ आई थिंक 10-15 दिन पहले इसने हाईएस्ट लेवल्स बनाए थे 535 536 के, उन लेवल्स के ऊपर अगर ये निकलता है तो 555 से लेकर 560 के लेवल से काफी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से टाटा मोटर्स को लॉन्ग करें जो 535 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 524 रुपए का, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखें तो इसमें जो पैटर्न बना है वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था एक बड़ी रैली के बाद, तो फाइनली इवेंचुअली हमें लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट बनेगा और ये स्टॉक 700-750 के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो काफी पोटेंशियल है, लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, पोजीशन में भी बड़े टारगेट्स आ सकते हैं फिलहाल ट्रेडिंग के लिए 555-560, वो अगले साहब ने भी थोड़ी देर पहले इस पर यही राय दी थी। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल मेरे रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 589 588.50। स्टॉक का नाम है जीएनएफसी। जीएनएफसी के अंदर सेलिंग प्रेशर है, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल से जीएनएफसी दबाव दिखा रहा है, फिर 5-7 दिनों तक साइडवेज मूव दिखाया और वापस से अब दबाव दिखा रहा है, रिसेंट के लो ब्रेक कर रहा है जीएनएफसी में। मेरे को लग रहा है कि यहां से 10 से 20 रुपए का गिरावट देखने को मिल सकता है। जीएनएफसी में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 597-598 के पास है, तो 597 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के जीएनएफसी में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 580 का पहला टारगेट बनेगा, 575 का दूसरा टारगेट बनेगा। 2-3 दिनों का व्यू लेके बिकवाली करें 597 के स्टॉप लॉस से 580-575 के टारगेट्स के लिए। तो आज का सेल कॉल आ गया है और वो है सुमित जी की तरफ से जीएनएफसी, इस पर करें बिकवाली 580 और 575 के टारगेट के लिए, ये काउंटर फिसलते हुए देख सकता है। पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही करने के लिए तैयार है राकेश जी, कुणाल जी, बिगुल, उनके लिए पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। देखिए दीपांशु, पिक ऑफ द डे है मैरिको पर। मैरिको के अंदर देखें तो एक मच अवेटेड नेकलाइन 551-552 की एक मच अवेटेड नेकलाइन है स्पॉट के अंदर। किसी को ना दिख रही हो तो चार्ट का टाइम फ्रेम वीकली करें, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का ये ब्रेकआउट है 35-40 रुपीज की तेजी यहाँ पे 2-3 दिनों में देखने को मिल सकती है, तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन मैरिको। ओवर टू कुणाल जी। वीकली चार्ट देख लेने के बाद चार्ट का टाइम 60 मिनट करें और फिर इंट्राडे चार्ट्स पर देखें पैटर्न कप विद हैंडल, जिसका ब्रेकआउट मैरिको के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो मेरी और राकेश जी की खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 547 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें मैरिको में। पहला टारगेट होगा 570 रुपए का, 570 का पहला टारगेट और इवेंचुअल टारगेट 585 रुपए का, खरीदारी की राय है मैरिको। ओके, तो यह है मैरिको पर राय आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर के लिहाज से आती खरीदारी की, नहीं सॉरी, पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द डे, कल का काम आज, कल पता नहीं क्या करेंगे। बंसल जी, तो क्या ये समझा जाए कल आप कोई काम करने के मूड में नहीं है? नहीं अनिल जी, कल तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, करेंगे ना, बस फिर ठीक है, चलिए बढ़िया। बंसल जी कल काम करने के मूड में हैं। आइए आईटी दिग्गज टीसीएस पर करते हैं फोकस, और आज से टीसीएस की कमान नए हाथों में, अनुभवी हाथों में आ चुकी। कृतिवासन साहब अब नए सीईओ के तौर पर कामकाज संभाल चुके हैं, तो कंपनी का फोकस कृतिवासन साहब के लीडर बनने के बाद कहां रहेगा, क्या कुछ करेंगे, जरा आइए जानते समझते हैं। कुशल डिटेल्स अगर हमारे साथ इस वक्त, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, आप देखिए यहाँ पर के कृतिवासन साहब ने अब टीसीएस की कमान संभाल ली है आज से, और सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में पहले कही थी और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रेडिकल लेवल चेंजेस नहीं होने वाले हैं, जो पहले से कंपनी की स्ट्रेटेजी रही है उसी पर चलेंगे, पर मौजूदा मूड माहौल को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, किस तरह से कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस पर अब इनका बड़ा फोकस बन रहा है। जिस तरह से जनरेटिव AI यानी कि पॉपुलरली आप जिसको चैट GPT
एग्जाम्पल मानकर चल सकते हैं, उसको लेकर बातचीत लगातार हर कंपनी हर इंडस्ट्री करती हुई दिख रही है। उस पर एक बड़ा फोकस है जिसको जेनरेटिव AI जानते हैं हम नाम से, और साथ ही क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी, ये जो तीन एरियाज हैं इमर्जिंग एरियाज है, ग्रोथ एरियाज है, इस पर सबसे बड़ा फोकस रहेगा कंपनी का और आगे निवेश भी इस पर ये जारी रखेंगे। तो ये एक पहली चीज है। उसके बाद जो पहले से ही $50 बिलियन की रेवेन्यू क्लॉक इन करने की 2030 तक इनका टारगेट है, उस पर ये फोकस अपना बनाए रखेंगे, नए इमर्जिंग एरियाज में निवेश करेंगे और ये टारगेट्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाती हुई नजर आएगी। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कंपनी के 55 साल के इतिहास में ये 5th CEO है, यानी कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत ही बेहतरीन स्टेबिलिटी आपको लगातार आती हुई दिखी है। इनफैक्ट टीसीएस में ही इनका 34 साल से ज़्यादा का अनुभव है, और इसके पहले ये BFSI वर्टिकल जो कि सबसे बड़ा वर्टिकल है TCS का, उसके प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड रह चुके हैं। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यहाँ पर यही बन रहे हैं कि जिस तरह से BFSI की इन्होंने कमान संभाली है, सबसे बड़ा वर्टिकल है, साथ ही जो पिछले 20 सालों से लगातार यहाँ पर जो आउटगोइंग CEO रहे थे राजेश गोपीनाथन साहब, उनके साथ इन्होंने काम किया है, तो कंपनी लेवल पर किस तरह की स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, आगे के लिए किस तरह का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ये इनके थॉट प्रोसेस में एनी विच वेज ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसके साथ साथ ये चलते हुए नजर आएंगे, पर आउटगोइंग CEO राजेश गोपीनाथन साहब की बात कर लेते हैं, तो उनके जो लीडरशिप रही है उसमें TCS ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, पिछले 6 सालों में TCS की आय में करीबन 60% तक की बढ़त हुई है, यानी कि अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो मार्च 2017 में $17.5 बिलियन की आय इन्होंने क्लॉक इन की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 तक $27.9 बिलियन हो गए, यानी कि $10 बिलियन आय का नेट एडिशन आपको यहां पर होता हुआ दिखा है, और मार्केट कैप के लिहाज से भी $100 बिलियन से $200 बिलियन का सफर केवल 3 साल में यहां पर कंपनी ने पूरा किया है। तो मजबूत लीडरशिप लगातार रही है और उसका प्रमाण आपको इनके नंबर्स पर भी आता हुआ नजर आया। तो ये है आपके लिए TCS पर पूरा विश्लेषण, और नया मैनेजमेंट आ चुका है, नए CEO और MD साहब ने आज से अपना कार्यकाल भी संभाला है। स्टॉक भी रिसेंटली थोड़ी रिकवरी हमने TCS में देखी है, बाकी IT में थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रिकवरी रही, बट TCS भी थोड़ा स्टेबल ही रहा है। जैन साहब कोई राय सर, TCS में मैनेजमेंट चेंज आज से इफेक्टिव हो गया सर? नहीं बिल्कुल, आप बुलिश ऑन TCS, और मुझे ऐसा लगता है कि IT स्टॉक्स जो काफी अंडर परफॉर्म किए थे, कॉन्ट्रारियन बेट्स है, और हालांकि इन दिनों में फिर भी थोड़ा पार्टिसिपेशन आया है और थोड़ा बढ़ा भी है इंफोसिस और TCS। इंफोसिस रिजल्ट्स के बाद जैसे ही करेक्ट किया तो इवन नीचे के लेवल से बॉटम फिशिंग इंफोसिस में भी बनती थी, और TCS अच्छा खासा भी ये लेवल है, अपने बायबैक प्राइस से भी काफी नीचे है। सो आई फील कि विप्रो के बायबैक के बाद ऑलरेडी माहौल ठीक हुआ इस सेगमेंट में, और काफी सारे मिड कैप और स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, रिजल्ट भी बढ़िया है, इवन एम्फेसिस बढ़िया लगता है। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर। मुझे लगता है कि TCS की पर्टिकुलरली बात करें तो बाय करना चाहिए, नीचे आए तो और घबराना नहीं चाहिए, और लेना चाहिए। नया मैनेजमेंट आता है, नई एनर्जी आती है, तो सर्टनली कुछ ना कुछ और बेहतर ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, ये है आपके लिए TCS। एक बार श्रीकांत जी से चार्ट पर भी राय ले ली जाए। श्रीकांत जी जरा TCS का चार्ट भी देखेंगे सर, 3300 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज इसमें बनी है, और मुझे लगता है कि काफी ग्रेजुअली ये ऊपर जा सकता है स्टॉक, बट अपसाइड मुझे लग रहा है कि काफी लिमिटेड है, 3450 के ऊपर जाना मुश्किल है। वेरी शॉर्ट टर्म में 3380 के लेवल से नजर आते हैं, तो वहां तक की तेजी बनेगी। करंट लेवल से अगर लॉन्ग पोजीशंस अगर है तो उसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 3290, टारगेट्स 3380 3450। तो ये है आपके लिए TCS, जहां पर आपको रखनी है नजर। नया मैनेजमेंट आज से कार्यकाल संभाल रहा है, स्टॉक में भी आपको थोड़ा एक्शन दिखाया रिसेंटली, IT स्टॉक्स वैसे थोड़ा एक्टिव रहे भी हैं और TCS भी उसमें एक पार्ट लेते हुए दिखा था, बट कुछ कैश स्टॉक्स पर डालिए नजर, कुछ और एक्टिविटी कैश के कई काउंटर्स में आ रही है। सीमेंट की हमने बात करी, इंडिया सीमेंट की अभी हम बात कर रहे थे, नोवोको विस्टास इसमें भी आपको एक मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। PNB हाउसिंग थोड़ा और मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्शन आया। मैप माई इंडिया पर आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है, ये काउंटर भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है, इस पर भी रखनी है नज़र, स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है। चोला इन्वेस्टमेंट, इस पर भी थोड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। ACC भी मूव कर रहा है, सीमेंट में एक्चुअली थोड़ा रोटेशन हो रहा है, ACC अंबुजा में भी अभी अभी खरीदारी आ रही है इंडिया सीमेंट के साथ साथ ही, बट BEML
ये काउंटर काफी एक्टिव है इस समय, 4.5% की गेन आपको BEML में आते हुए देखें। कल भी आई थिंक ये काउंटर काफी एक्टिव हो रहा था, थ्रू द डे एक्टिव था, आज दोपहर को ये मूव शुरू हुई थी जो 1500 के ऊपर BEML को ले जा रही है। बंसल जी, ऑफकोर्स आपने और कुणाल जी तो कई बार कवर करा है, बट आज BEML पर अपनी राय दें दोबारा सर, 1500 का लेवल अब आ गया इस पे। दिमांशु चार्ट भी बढ़िया है और टेक्निकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट है, एक इंपॉर्टेंट नेक लेवल्स को तोड़ा है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करना चाहिए इन स्तरों पर। हल्की फुल्की करेक्शन पर 1560-1580 के टारगेट के लिए यहां पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। मेट्रो प्रोजेक्ट से भी जुड़ी कंपनी है, इस पर भी आप एक्शन काफी रेगुलरली देख रहे हैं। रेल स्टॉक्स भी आज थोड़ा मूवमेंट में, एक और रेल से जुड़ी कंपनी टेक्समेको रेल, ये भी 6.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रही है, यहां पर भी बढ़िया एक्शन आपको बन रहा है। इनफैक्ट जैन साहब, दो दिनों से हमने देखा है वापस रेलवे स्टॉक्स में एक्शन आ गया है, RVNL एक्टिव हो गया है, इरकॉन एक्टिव होते हुए दिख रहा है, BEML अभी देखिए, टेक्समेको रेल देखिए, और IRCTC भी नंबर्स के बाद थोड़ा ठीक ठाक ही मूव कर रहा है सर, वापस रेलवे पर फोकस करने का वक्त आ गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तरफा मूव दिया ये सारे स्टॉक्स ने, और अब जिस तरीके से देखिए वंदे भारत या सरकार का जितना रेलवे के ऊपर जो ओवरऑल फोकस है, गजब का फोकस हो रखा है, सो आई एम ऑल्सो वेरी बुलिश। जैसे कि कई स्टॉक्स है जिनके फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, बट अब सब जगह कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक पोजिशन की वजह से चीजें बेहतर हुई है, और आगे भी आने वाले दिनों में रेलवे विल डू बेटर। और तो मेरे हिसाब से देखिए IRCTC पे मैं जनरली बुलिश नहीं रहता, मैं मुझे वैल्यूएशन को लेकर वहां पे कंसर्न है, बट यस मैंने अभी रेलटेल की बात की थी, वहां पे अभी भी स्टीम बाकी है, अभी चला ही नहीं है। मैंने अभी आप RVNL के लिए जो बहुत निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया था वो भी जबरदस्त चल रहा है। इरकॉन एज अ कंसल्टेंसी कंपनी बहुत बढ़िया लगता है मुझे, वैल्यूएशंस भी सस्ते है, इवन कई सारे जो वैगन्स बनाने वाली कंपनियां है जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे अभी टेक्समेको, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा फंडामेंटल समझ में नहीं आते, बट अब जिस तरीके का ऑर्डर बुक और जिस तरीके से कंसोलिडेशन होने के बाद जो माहौल बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि चीजें बेहतर सारी कंपनियों में होगी। और एक जुपिटर वैगन्स बोल के भी है, जो सेबको बोल के पुरानी कंपनी हुआ करती थी, वहां पे भी माहौल बना हुआ है। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द रेलवे सेक्टर, और जो PSU रेलवे स्टॉक्स है उन पे नजरें बनाए रहे, कई लोगों ने नीचे के लेवल से लिया हुआ भी है, तो उनको मैं एक राय दूंगा कि अननेसेसरली ऊपर के लेवल्स पे एग्जिट नहीं करें, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करके होल्ड करें, ज्यादा बेहतर होगा। ओके, होल्ड करें ये ज्यादा बेहतर आपके लिए, रेलवे स्टॉक्स में एक्शन भरपूर। लेकिन आखिरी मिनटों में 3 बजे में जाने के पहले बाजार 3 बजे के बाद थोड़े से हल्के होते हुए देखिए, 3 बजे तक तो मजबूत ही रहे, अब पहली बार 18,500 के आसपास थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी कल के लोज पर 43,815 का जो लो था एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, 43,800-18,500 ये दो लेवल आपके सामने इस वक्त देखेंगे। लेकिन होटल शेयर है पूरे एक्शन में और रौनक इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही, क्यों कैसे और वजह आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। आशीष बताइए, घूमना फिरना चालू है? सर एकदम बढ़िया तरीके से चालू है। आपका? मेरा तो नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं आपका पूछ रहा था। ओके, लेकिन प्लान कर लेता हूँ बोल रहे हो तो। मुझे तो लगा ऑलरेडी हो चुका है। नहीं, अच्छा सर। लंबी छुट्टियों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताए होटल शेयर कैसा है? सर अब तक चाल काफी बढ़िया रही है पूरे FY23 में, अगर आप देखें तो स्टॉक्स काफी ज्यादा भाग चुके हैं। रॉयल ऑर्किड को देखें 124% भाग चुका है, कामत होटल्स 88% है, दिग्गज इंडियन होटल्स में भी देखें तो 36% की बड़ी अपसाइड यहां पर आपको देखने को मिल रही है, लेमन ट्री 22%, ताज JBK 23% अब तक, यानी FY23 अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर के लिए काफी बढ़िया और साबित हुआ है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट की कॉमेंट्री पढ़े, रिपोर्ट पढ़े, तो ये बताया जा रहा है कि FY23 जितना अच्छा था FY24 भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, और इसके लिए अगर आप देखें तो मल्टीपल कैटलिस्ट है आपके पास। सबसे पहले आप देखिए ODI वर्ल्ड कप है, G20 समिट चल रहा है, समर अभी चल रहा है, तो यहाँ पर भी बुकिंग्स और ऑक्यूपेंसी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है। एवरेज रूम रेट्स जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो काफी बढ़िया है, 20-25% की बढ़त यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चौथी तिमाही 2023 की जो थी, इसमें IRCTC की जो टूरिज्म आई थी, इसमें 155% का बड़ा इजाफा आपको देखने को मिला था, एयर पैसेंजर ट्रैफिक में 60% की बढ़त आपको देखने को मिल रही है, नई ट्रेन लॉन्च हो रही है, साथ में अगर आप देखें तो रीजनल एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके चलते भी एक बड़ा इंपैक्ट, में जो सरकार की पॉलिसी आई है कि देखो अपना देश, इसके चलते भी पूरे टूरिज्म सेक्टर्स की जो है बड़ी रीरेटिंग हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि FY23 में इतने बड़े रनअप के बाद क्या ये स्टॉक FY24 में भी कमाल कर पाएंगे, और अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो थोड़ा सा आपको जो इस पे संदेह होगा, क्योंकि इंडस्ट्री का औसत जो पी चल रहा है वो 37 का है। मैं आपको जो है ट्रेलिंग 12 मंथ के जो पी है करंट उसके हिसाब से बताऊंगा,
होगा क्योंकि फॉरवर्ड पी सबके अवेलेबल नहीं है। कामत होटल्स अगर आप देखें तो एक सस्ता है, 7 के PE पर चल रहा है, लेकिन बाकी के स्टॉक्स अगर आप देखें तो महिंद्रा हॉलीडेज 55 times पर चल रहा है, दिग्गज इंडियन होटल्स 58 times पर चल रहा है, लेमेंट्री 66 times चल रहा है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो वैल्यूएशन कुछ स्टॉक्स की काफी ज्यादा हो चुकी है और हमने देखा भी कि नतीजे अच्छे आने के बाद भी कई सारे स्टॉक ऐसे थे जिनमें एक बड़ा रिएक्शन नतीजों के बाद नहीं आया। नो डाउट नतीजे बहुत बढ़िया थे लेकिन एक बड़ा रिएक्शन नहीं आया। बड़ा सवाल यही है दीपांशु अब कि क्या आगे भी FY24 में भी होटल स्टॉक्स में कमाल देखने को मिलेगा कि नहीं? जैन साहब से पूछते हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं जो इंडस्ट्री एवरेज है करंट TTM बेसिस पर उस हिसाब से अगर वैल्यूएशन देखें तो कुछ काउंटर्स हैं जो अभी भी अच्छे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, कुछ जरूरी नहीं है जिन्होंने सबने कैचअप कर लिया। सबने कैचअप नहीं किया लेकिन दिग्गज की बात की जैसे इंडियन होटल्स है काफी महंगा चल रहा है, 58 times है, महिंद्रा हॉलीडेज 54 times है, लेमन ट्री है ये 66 times पर चल रहा है, सबसे ज्यादा महंगा ये स्टॉक है। तो लेमन ट्री थोड़ा महंगा है, रॉयल ऑर्किड इंडियन होटल्स में मूव है, बट अभी भी कई सारे काउंटर्स हैं जो डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। जैन साहब बताएं सर, वैल्यूएशन थोड़ा ऑलरेडी आगे रनअप कर चुकी हैं, हालांकि इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस दमदार रही है, क्या अभी भी आगे और रनअप रहेगा या फिर थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन होगा? आइडियाज काफी सारी है, टूरिज्म को लेकर मैं काफी बुलिश वैसे ही हूँ और आज भी सुबह मैंने निको पास दिया था जो कि अभी भी 20% बायर सर्किट पे जेम्स साहब के जेम्स में दिया था, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये जो एंटरटेनमेंट लेजर हॉलीडे ये सारा एक सेगमेंट अगर देखे तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मैंने EIH एसोसिएटेड होटल्स काफी बढ़ दिया, वो भी बहुत बढ़िया लेवल पे है, अभी भी वहां पे स्टीम बाकी है। बहुत सारी छोटी छोटी होटल्स है जिनमें लिक्विडिटी नहीं है, उनके बारे में अगर बात करूं, अब जैसे हम गंगा आरती के लिए जा रहे हैं बनारस, तो वहां के में जबरदस्त टूरिज्म बढ़ रही है, वहां की होटल्स को देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में नया टूरिज्म डेवलप हुआ है तो वहां की होटल्स में अभी भी सस्ता है, बट वो नाम लूंगा मैंने जैसे सिंक्लेयर होटल्स नॉर्थ ईस्ट में काफी पॉपुलर है। अगर बनारस की बात करें तो बनारस होटल्स है, छोटी इक्विटी वाली कंपनी है, और मैंने अभी अगर दूसरे में जैसे एंसिलरी की बात करता हूं तो मैं TFCI मैंने रेकमेंड किया था, मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है। इवन इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC वो बहुत बढ़िया लगता है। तो मेरे डिस्क्लेमर भी है कि ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया जो भी मैंने अभी बात किया है, बट ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द होटल स्टॉक्स। एक और चीज, इवन ITC कैन बी अ वेरी गुड प्ले क्योंकि वहां पे डीमर्जर की बातें चल रही है, तो होटल स्टॉक को प्ले करना, होटल प्ले करना है तो ITC कैन बी अ वेरी सेफर बेट फॉर द सेक्टर। एक सेफ बेट है पूरे सेक्टर के लिए, यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। बट होटल स्टॉक्स वैसे तो मोमेंटम इस पूरी स्पेस का अच्छा रहा है, बट थोड़ा वैल्यूएशन के लिहाज से जैसा आशीष बता रहे थे रनअप थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है इन काउंटर्स के लिए। बट कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर मूव अच्छी आ रही है। जैन साहब, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर इस कंपनी को ट्रैक करते हैं आप? लगातार एक्शन में आ रहा है, आज भी देखिए 10% का अपर सर्किट है, जब से इसके नंबर्स आए हैं बड़ी मूव आ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, इस सॉफ्टवेयर कंपनी को तो मैं बहुत ट्रैक करता हूं और हमें याद है हमने बहुत निचले लेवल्स पे जेम्स साहब के जेम्स में दिया था और क्लाइंट्स को भी हमने काफी बार रेकमेंड बाद में, क्योंकि काफी टूटा, मतलब अगर 500-600 के लेवल से स्टॉक अगर 300 के लेवल पे आ जाता है और काफी जब निराश होती है तो काफी ट्रोलिंग भी हुई थी मुझे याद है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स कम डिप हुए थे और प्लस इनको एम्प्लॉई कॉस्ट बहुत बढ़ गया था, तो हमने भी इंडस्ट्री में क्रॉस चेक किया तो हमें पता चला, हमारे भी जो चैनल चेक है उससे कि काफी रिटेंशन के लिए कंपनियों को काम करना पड़ रहा है और मूनलाइटिंग और ये सारे इश्यूज इस सेक्टर को वैसे हम देख रहे थे हो रहा था, और प्लस बीच में NBFCs और ये सब अच्छा नहीं कर रहे थे, तो ये सेक्टर प्योरली BFSI के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है और हम देख रहे हैं अब BFSI में NBFCs MFIs इन सब का गजब का माहौल बना हुआ, और ये सॉफ्टवेयर बनाती है NBFCs के लिए FinOne बोल के, तो वहां पे भी गजब का रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आजकल जब SaaS होता है तो जैसे ही वो बिजनेस बढ़ता है तो सरोगेट बेनिफिट इस बिजनेस को भी मिलता है, और यहाँ पे मैं देख रहा था इनका रिजल्ट्स, गजब के रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में गजब के नंबर्स है, तो दो दिन 20-20% के शायद सर्किट लगाने के बाद 10% का सर्किट, सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंडामेंटल्स है। बट यस, अब ये है कि बहुत ज्यादा मतलब नीचे भी अगर सर्किट खुल भी जाए तो ग्रैब करने की एक बार कोशिश नहीं करें, नीचे और आने दीजिए, एक बार माहौल थोड़ा ओवरऑल गरमाया हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप का, तो इसलिए कोई भी पॉजिटिव चीज आती है तो उसमें रेस्पॉन्स ज्यादा मिलता है, और मार्केट वही खराब रहता है तो अच्छे रिजल्ट्स में भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है स्टॉक को, तो इसलिए थोड़ा वेट करें, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें, दे कैन एंजॉय द सर्किट्स। ओके, तो ये है आपके लिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, लिया है तो होल्ड करिए। वैसे स्टॉक में जबरदस्त मूव आ गया, पिछले 5 दिन में 60% दौड़ चुका है ये काउंटर, 1 महीने में हमने 80% की मूव आती हुई देखी है, तो जबरदस्त मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है, नजर रखिए। कुछ कैश स्टॉक्स हैं जो आपको जबरदस्त मोमेंटम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, कैश के साथ कैश का ऑप्शन भी रेडी है, आइए जय ठक्कर भी है। बिल्कुल स्वागत बिगुल के साथ।
गुड आफ्टरनून जय, बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कोई स्टॉक ऑप्शन लाए आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप. अनिल जी, यू नो मॉर्निंग में पहले एक अपडेट दे देता हूँ कि 44,000 का कॉल ऑप्शन जो हमने बैंक निफ्टी का लिया था 146 पे, वो 203-206 पर अपडेट किया था प्रॉफिट बुक करने को. एक मूव आया था वहाँ पे 44-100 तक जो हम सोच रहे थे, लगभग वहीं तक हमें 250 तक फ्यूचर्स में देखने मिला, 177-178 स्पॉट में देखने मिला. बट देन अभी 44,000 का लेवल्स ब्रेक किया है, तो मेरा रिकमेंडेशन 43,500 के पुट पर है 8 जून की एक्सपायरी का, जो अभी आपको 160 पर ट्रेड करते हुए मिलेगा. 160 पर खरीदे 43,500 का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन अनिल जी 8 जून की एक्सपायरी का. यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट वुड बी एट 73 का एक स्टॉप लॉस लगाए, 160 पर खरीदे. एंड टारगेट्स अनिल जी जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है, द फर्स्ट टारगेट वुड बी 287, द सेकेंड टारगेट इज 346. सो 287 एंड 346 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है 160 पे 43,500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का, बिकॉज 44,000 एनर्जी ब्रेक किया. इनफैक्ट ये जो रेंज थी 44 से 43 की, उसका अग्रेसिव टारगेट 45 का बनकर आ रहा था, कंजर्वेटिव 44,500 का बनकर आ रहा था. कंजर्वेटिव टारगेट अचीव किया एंड देन नाउ इज नॉट होल्डिंग अप टू द लेवल्स ब्रेकआउट, इंडिकेटिंग के जो टारगेट्स आने थे मे भी आ चुके, और अब 44 के नीचे बंद होना यानी कि अगेन टेस्टिंग ऑफ 43,500 होगा, इसलिए 43,500 की स्ट्राइक भी चूज की है. तो ये है आपके लिए 43,500 का पुट खरीदने की राय है अगले हफ्ते की एक्सपायरी की, ये ध्यान रखिएगा ना कि आज की. और जय की तरफ से ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है. बट कैश स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, कुछ और कैश स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट आ रहा है. साइंट ये स्टॉक भी काफी एक्टिव हो रहा है. कुणाल जी एक बार साइंट का चार्ट देखें, मिड कैप आईटी में कुछ स्टॉक्स हैं स्पेशली कैश वाले जो आज थोड़े एक्टिव हैं. साइंट इन पर्टिकुलर 6% ऊपर है सर, जरा देखें इसे. देखिए बिल्कुल दीपांशु, साइंट में एक अच्छा मोमेंटम हम लगातार देख रहे हैं. पिछले 4-5 दिनों से कुछ सुस्त था शेयर और वापस से ट्रेंड रिजम्पशन देखने को मिल रहा है, तो हायर बॉटम्स की श्रृंखला अटूट है. स्टॉक लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, जिस तरह की तेजी बन रखी है, तो मुझे लगता है जिनके पास पोजिशन है बिल्कुल बने रहे. यहाँ पर 1300 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स इसमें भी देखने को मिले. तो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ साइंट पर रखिए नजर, ऊपर के लेवल्स आपको इस काउंटर में भी देखने को मिल सकते हैं और स्टॉक में भी एक अच्छी मूव आपको आ रही है. सुमित जी आपका एनबीसीसी, ये भी थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है, कोई ट्रेड दिख रहा है इसमें सर? देखो देखिए पोजिशनल अगर ट्रेड लेके रख रहे हैं तब तो इसमें तेजी करके होल्ड करें. स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया ही है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में ही है. 5-6 दिनों पहले एक अच्छा मूव भी दिखाया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड कर रहा है. 44 के ऊपर 48 रुपए तक के लेवल जल्दी ही एनबीसीसी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, तो पोजिशन होल्ड करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें. होल्ड करिए, थोड़ी सी पेशेंस रखे, इस पर आपको मोमेंटम दिख रहा है. CDSL जरा इसे भी पुल अप करिए, इस पर भी थोड़ा मोमेंटम है आज, 3.75% ऊपर आपको CDSL का भी काउंटर दिखेगा. सुबह से ये भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है. रिसेंटली ये रेडार पर वापस आया था, हम बात भी कर रहे थे, कुछ दिनों से भूल भी गया था बाजार इसके बारे में. कल विश्वेश जी ने 10 की कमाई में इसके बारे में बात करी थी और वहाँ से CDSL थोड़ा एक्टिव भी है. श्रीकांत जी एक बार CDSL का चार्ट देखें, 1070 का लेवल आ गया, कोई व्यू इस पर? बिल्कुल, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो एक बड़ा फॉल चल रहा था, तो ये जो बड़ी सेलिंग चल रही थी वो अभी खत्म हो चुकी है. एक बड़ी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी इसने क्रॉस किया है और जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उसके ऊपर इसमें मोमेंटम बना हुआ है. मुझे लगता है कि इसमें और भी पुल बैक जारी रहेगा और ये स्टॉक कम से कम 1200 के लेवल्स वापस छू सकता है. वेरी शॉर्ट टर्म में 1110-1120 के टारगेट्स नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके लॉन्ग करें क्योंकि करंट लेवल्स पे ये 980-970 के करीब था, अभी 100 रुपए चल चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल नहीं है. लेकिन अगर पोजिशनल है या तो कई सारे लोगों ने इसे पहले से लेके रखा हुआ है, तो शायद अगर पोजिशन हो तो उसे भी होल्ड करके रखें. 1200-1250 के टारगेट्स काफी शॉर्ट टर्म में ये बना सकता है. 1250-1260 के टारगेट्स के लिए CDSL पर रखनी है नजर. नवीन फ्लोरिन वागे साहब इसको एक बार देख लें सर, डेज लो पर आ गया, 2% का कट नवीन फ्लोरिन में आपको इस समय दिख रहा है. क्या चल रहा है इस काउंटर में, वो कोई STBT कॉल है इस पे? बेच के जाना चाहिए 4600, अगर ये ब्रेक करता है तो ये सीधा 4500 तक जा सकता है. तो यहाँ पर अगर 4610-4620 के बीच में बेचते हैं, स्टॉप लॉस 4650 का होगा, टारगेट 40 500.
के, तो 4500 यहाँ से 100-125 रुपए की गिरावट और आ सकती है नवीन फ्लोरीन में। इस काउंटर पर अपनी राय लें। जय, अभी आपने 44500 का पुट खरीदवाया बैंक निफ्टी में, एक बार आईसीआईसी बैंक का चार्ट देखें। कोटक तो खैर आज कमजोर है, कल का ट्रेड भी वैसे उल्टा हो गया था, बट आईसीआईसी बैंक में क्या चल रहा है जय? आईसीआईसी बैंक में दीप वीक लग रहा है मुझे। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये अपने पिछले कुछ दिनों के लोअर एंड ऑफ द रेंज पर आया है। वो रेंज अगर ब्रेक करता है दीप, तो आपको फर्दर सेल ऑफ देखने मिलेगा। वो रेंज का लोअर एंड है 930 रुपये। 930 रुपये के नीचे दीप, इसमें आपको गिरावट और भी देखने मिल सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 910-900। 910 से 900 तक के लेवल्स आपको 930 के नीचे देखने मिल सकता है आईसीआईसीआई में। ओवरऑल अगर आप देखें तो एंटायर बैंकिंग पैक में, यू नो, डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज दैट कि यहाँ पे मोमेंटम ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो ज़्यादा वीकन हो चुका है अब विद अ नेगेटिव डाइवर्जेंस डीप। तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी के स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर ज़्यादा गिरावट या तो वीकनेस नज़र आ सकती है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा वीक हो रहा है, बैंक्स की तरफ से सपोर्ट अब थोड़ा कम हो गया है, 400 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है, तो वीकनेस वहां पर ज्यादा आ रही है। आइए समझते हैं इस वीकनेस की वजह और आपको क्या करके जाना है। वीकली एक्सपायरी का भी वक्त हो गया है, अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी लेते हैं। अनिल जी, बाकी कुछ नहीं बदला है ना ही बिगड़ा है सर, बस आखिरी 10-15 मिनट में बैंक्स में थोड़ी सेलिंग प्रेशर ज्यादा आया है। 43700 पर बैंक निफ्टी, 400 पॉइंट नीचे। डाउ और नैसडेक फ्यूचर्स फ्लैट हैं, हल्के पॉजिटिव हैं। यूरोप सर भी आपको पॉजिटिव है, रुपया आपको मजबूत दिख रहा है, 30 पैसे की मजबूती दिखा रहा है। यूरोप के बाजार भी ठीक है, क्या हो गया सर? इस बात की संभावना लग रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय बाजार, ऐसा तो नहीं कि अमेरिकी बाजारों का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आज रात को कमजोर सेशन ना हो जाए वहां पर, उस तरह के संकेत फिलहाल आते दिख रहे हैं जिस तरह से हम आखिरी मिनटों में घटे। एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन एक्सपायरी का हो सकता है, उसके अलावा तीसरा कारण है नहीं। तो दोनों, अगर एक्सपायरी का रीजन है तो अभी खत्म हो जाएगा, और अगर अमेरिका का रीजन तो अपने को पता नहीं, ठीक है, तो बेहतर है कि हल्के रहे। राइट, जो भी नई पोजीशन बनानी कल बनाई जाए। एकदम आज का जो स्टॉप लॉस का लेवल है निफ्टी पे इंट्राडे क्लोजिंग 18450, वो तो नहीं टूट रहा फिलहाल, और अब बचे 10 मिनट तो नेचुरली क्लोजिंग जो आएगी शायद ऊपर की तरफ ही आएगी। तो आई थिंक अभी भी आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आपको हेज कर लेना चाहिए, चाहे वो 18400 का खरीदें, 18300 का खरीदें, हेजिंग रखेंगे तो बेहतर है। शॉर्ट पोजीशन है तो वैसे कोई खास चिंता वाली बात तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो 18600 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं अगर आपको करना है तो। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, डेफिनेटली 43800 कल के लोज के नीचे या उसके आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बंद हो रहा है। असली कमजोरी 43675 के नीचे बंद होने पर होती है, वहाँ नहीं हो रहा है। तो ये क्लोजिंग ऐसी जगह हो रही है जो आपको कन्फ्यूज रखेगी कल के लिए। सो आई थिंक फ्रेश पोजिशन न निफ्टी में न बैंक निफ्टी में, न तेजी की न मंदी की, कल बनाने की राय होगी जो भी बनानी है। लेकिन थोड़ा नीचे आएगा तो शूटिंग रेंज में आएगा, वहाँ खरीदे कल, अगर गैप से खुला नीचे तो कल खरीदेंगे, गैप से ऊपर खुला तो कोई बात नहीं, देखेंगे प्रॉफिट बुक करने का या बेचने का मौका मिलेगा। सो आज ओवरनाइट पोजीशन रखने की राय नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं मत बनाइए, जो है पड़ी रहने दीजिए आप। गॉट इट, ठीक है, ये है आपके लिए अनिल जी की राय क्लोजिंग से पहले समय, और थोड़ा आप एक्सपायरी का भी प्रेशर देख रहे हैं, और देखते हैं आज अमेरिकी बाजारों में कैसी मूव आती है। इस समय तो आप देख रहे हैं थोड़ा आपको फ्लैट ही अमेरिकी फ्यूचर्स दिख रहे हैं। बट आइए कुछ फाइनल कॉल्स लेनी है क्लोजिंग से पहले, एक बिगुल सुमित जी के लिए, पहले सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल मेरे रडार पे आया है, ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 1274-1275, 1274 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, आज सुबह से इसके अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, 3 दिनों के लो पे ये ट्रेड कर रहा है। टीवीएस मोटर में ऐसा लग रहा है कि यहां से थोड़ा सा 1-2 दिनों के लिए दबाव देखने को मिल सकता है। 1290 और 1295 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 1290 का लेवल जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक टीवीएस मोटर में फ्रेश बाय बनेगा नहीं। यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर नीचे में 1250 रुपए से लेके 1240 रुपए तक के लेवल टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। तो 1-2 दिनों के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बिकवाली करें, 1290 के स्टॉप लॉस, 1290 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 1250-1240 तक के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स, ऑटो स्पेस पर रखनी है आपको नजर, बट इस समय थोड़ी बिकवाली की राय आ रही है। सुमित जी वैसे भी बिकवाली की कॉल्स पहले पकड़ते हैं, थोड़े पहले जीएनएफसी की बात कर रहे थे, अब टीवीएस पर आपको बात आ रही है। स्पाइसजेट इस पर भी रखिए नजर, 2.5% ऊपर आपको काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, बट दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपको ऑर्डर आते हुए दिखा है। स्पाइसजेट के जो प्रीवियस ओनर्स हैं मरान ग्रुप, वहाँ से एक विवाद चल रहा है सन ग्रुप के। स्पाइसजेट को ऑर्डर दिया गया है कि आप सन ग्रुप को 380 करोड़ रुपए का भुगतान करें, ये आदेश दिया गया है। मरान्स जो कि पूर्व प्रमोटर थे स्पाइसजेट के, इनको ये भुगतान करने का ऑर्डर दिया गया है। इसके साथ ही 4 हफ्तों में एक एफिडेविट सबमिट करना है जो भी एयरलाइन के एसेट्स हैं उसके डिस्क्लोजर के साथ। तो ये है आपके लिए स्पाइसजेट की खबर, 380 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, ये खबर आपके लिए समय आते हुए दिख रही है। स्टॉक वैसे 2.5% ऊपर है आज, आई डोंट नो, इस खबर तो वैसे ऑन द फेस ऑफ इट नेगेटिव दिख रही है, बट और क्या डिटेल से थोड़ी हम फाइंड आउट करेंगे फिर इसके एनालिसिस करेंगे। स्पाइसजेट के लिए फिलहाल आपके लिए ये खबर आती हुई दिख रही है। आई क्लोजिंग की तरफ बढ़े उससे पहले एक दो स्टॉक्स जो थोड़ा स्क्रीन पर पॉप आउट हो रहे हैं उसको हाईलाइट कर लिया जाए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 3% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार श्रीकांत जी से चार्ट पर भी राय लेनी है, श्रीकांत जी जरा एक बार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर व्यू दे दें। फ्यूचर्स में करीब 3% ऊपर है और कैश में तो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% की तेजी है सर। बिल्कुल, इनफैक्ट काफी अच्छा फॉर्मेशन बना है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें एक प्राइस रिट्रेसमेंट होते जा रहा है। लगता है कि 1300-1350 के लेवल्स बिल्कुल छू सकता है और आज की जो रैली है या तो आज का जो भी प्राइस मोमेंटम है वो एक स्पेसिफिक ब्रेकअवे गैप को होल्ड करते हुए वापस परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हमें लगता है कि ये सस्टेनेबल रैली है और करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले 1235-1225 के करीब टारगेट्स रहेंगे कम से कम 1350 से लेकर 1400 के, और अगर कोई स्टॉप लॉस रखना ही है तो 1160 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। यह है आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1160, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखें बट फिर पोजिशनली अच्छे टारगेट्स भी आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। जैन साहब, कोल इंडिया एक राय आपकी लेना चाहूंगा, आज ओएफएस खुला था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, पूरा सब्सक्राइब हो गया, 225 का भाव है, कल रिटेल के लिए खुल रहा है सर, पैसे लगाने चाहिए रिटेल को? देखिए लगाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट कल भी एक पॉजिटिव न्यूज थी, बट फिर भी ये ओएफएस की न्यूज थी तो इसलिए मार्केट्स में ज्यादा रिएक्शन नहीं है, और जब भी एक ओएफएस की न्यूज आती है तो करेक्ट होता है। अभी भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोल इंडिया अगर डिविडेंड का देखे, इन टोटल रिटर्न्स देखे तो अलग बात है, बट अपने आईपीओ प्राइसेस के लिस्टिंग के आसपास ही कहीं ना कहीं इतने सालों से ट्रेड कर रहा है। मुझे याद है 2010 में शायद आया था इनकी लिस्टिंग, अक्टूबर नवंबर में हुई थी। सो ओवरऑल हमने हमारे कुछ क्लाइंट्स को इनफैक्ट अगर बोले तो हमने पुटे की सेल करवाई है, क्योंकि ऐसे टाइम पे पुट सेलिंग हो सकती है, क्योंकि आप 225 की जून की या जुलाई की पुट सेल कर सकते हैं, और ओवरऑल जिनको लगाना रिटेल वालों को लगाया जा सकता है, और 225 एक अच्छी प्राइस है, और मुझे लगता है कि ओएफएस का जब ओवरहैंग खत्म होता है तो उसके बाद ये पीएसयू स्टॉक्स अच्छा करते हैं। मुझे याद है सुमित जी वाला हल कहाँ था, 900 रुपया 1100 रुपये से नीचे और उसके बाद चला, तो हर ये जो पीएसयू स्टॉक्स है ये अपने ओवरहैंग की वजह से टूटे हुए रहते हैं, बाद में ये चलते हैं, एंड कोल इंडिया बुलिश अबाउट कोल इंडिया इन द लॉन्ग टर्म आल्सो। ओके, बुलिश व्यू है कोल इंडिया पर लॉन्ग टर्म में, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। आइए, एक कॉल आ रहा है श्रीकांत जी की तरफ से बिगुल, उनके लिए बीटीएसटीटी का। बताएं सर। दीपांशु, देखिए दीपक फर्टिलाइजर ये कैश का स्टॉक है वैसे, और ये इसके जो फॉर्मेशन बने हैं वो काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, जो हम पहले जो एक थियरी है कि लाइक पहले जो रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। 2022 में इसने मल्टीपल टाइम्स इन्हीं लेवल्स के करीब सपोर्ट लिया था, इन्हीं लेवल्स आई मीन टू से 520-515 के करीब, और उसके बाद एक बड़ी रैली की थी उसने 1020 तक की। अभी करेक्शन आया था और इस करेक्शन के बाद वापस उसने 520 के करीब अच्छा बॉटम बनाया है, आज एक हायर बॉटम बन के रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम वापस 650 से लेकर 700 के लेवल्स दिखा सकता है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि मिड कैप स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना है मुझे लगता है करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले एक 510 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी कि 10% का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन टारगेट्स 20 से 30% के हायर साइड पे नजर आते हैं।
ये है दीपक फर्टिलाइजर, बड़ी रैली शिकांत जी को आती हुई दिख रही है, 650 और 700 के लेवल्स की बात करें तो ऑब्वियसली थोड़ा पोजिशनल व्यू आपको लेना पड़ेगा, कैश का स्टॉक है बट बड़े टारगेट्स के लिए शिकांत जी का भरोसा है इस स्टॉक के लिए। कैश स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे आज या ब्रॉडर मार्केट की बात करेंगे तो कहीं आपको परेशानी नहीं दिखेगी। हाँ, थोड़ा इंडेक्स के लेवल पर दूसरे दिन आप कह सकते हैं सुस्ती रही है और स्पेशली बैंक्स की तरफ से आज थोड़ी वीकनेस रही है, बट हेल्थ केयर, आईटी, ऑटो, इन सब ने बाजार को बढ़िया संभाला है। अपोलो हॉस्पिटल 4.5% ऊपर, डिवीज लैब, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, जबरदस्त खरीदारी इन आईटी काउंटर्स में आई है। बैंक्स की तरफ से भी चुनिंदा काउंटर्स ने आपको सपोर्ट दिया है, स्पेशली एसबीआई आज एक्टिव था, इंडसइंड बैंक आई थिंक कल इसका डिविडेंड एडजस्टमेंट में होने वाला है, उससे पहले आज इस पर अच्छी खरीदारी आपने देखी है। टीसीएस नए सीईओ और एमडी आ गए हैं, यहाँ पर स्टॉक में एक्शन अच्छा दिखा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, आइशर, ये सारे स्टॉक्स आपको एक्टिव दिखे। एचयूएल में भी आपने खरीदारी देखी, विप्रो, टेक महिंद्रा भी आपको अच्छे दिख रहे थे। तो गिरावट कहाँ पर थी, ऑफर फॉर सेल खुलने के बाद कोल इंडिया 4.5%, कोटक बैंक कल की बड़ी तेजी के बाद आज प्राइस एडजस्टमेंट होते हुए 4.25%, भारतीय एयरटेल 2-3 दिन की अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली इसमें थी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ पे प्रेशर था, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक थोड़ा फिसलते हुए दिखे और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी थोड़ा नीचे था, आईटीसी में भी गिरावट थी जिसकी वजह से बाजार में प्रेशर आया। वायदा कारोबार कई सारे काउंटर्स एक्टिव थे बट इंडिया सीमेंट्स में अच्छी तेजी थी, मन्नापुरम, आरबीएल बैंक जैसे लोम्बार्ड, एमएनएम फाइनेंस, कैनफिन होम्स यहां पर अच्छी खरीदारी रही, लॉरस, ग्लेनमार्क यहां पर भी अच्छा एक्शन था, इंडियन होटल्स भी एक्टिव रहा, हैवेल्स, जाइडस लाइफ, जुबिलेंट फूड, पिडलाइट यहां पर भी आपने खरीदारी देखी। वीकनेस आपने देखी गुजरात गैस में, ईबीबी, पीआई इंडस्ट्रीज, आईजीएल, टोरेंट फार्मा, एसबीआई लाइफ, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ और कॉनकॉर्ड यहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी। अनिल जी, ओवरऑल लगातार दूसरे दिन आप कह सकते हैं बाजार फिसले, 43,800 के थोड़ा नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है और निफ्टी 18,500 के थोड़ा नीचे क्लोज होते हुए दिख रहा है सर, थोड़ा दूसरे दिन कंसोलिडेशन वाला बाजार हमारे लिए। तो ये है आपके लिए प्रोविजन क्लोजिंग, जो 18,500 से हल्की सी नीचे आती हुई दिखेगी ज्यादा, और बैंक निफ्टी भी 43,750 के आसपास कहीं थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखेगा। गुरुवार जाना जाता है 3:30 बजे के बाद के एक्शन के लिए, 3:30 बजे तो वीकली एक्सपायरी हो जाती है, कभी कभी मंथली भी होती है महीने में एक बार, लेकिन हर हफ्ते सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है 4:30 बजे का, और उसके लिए हमारे एक्सपर्ट सब लोग कितनी रिक्वेस्ट आती है मुझे सर, हमारे सारे एक्सपर्ट्स के हमको बुधवार के क्लोजिंग शो में रखिए, बुधवार के क्लोजिंग शो में रखिए, क्योंकि वो बात दुनिया की टीज देखने को मिलता है और उसमें जो पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है और अगर आपने वो आनंद मिस किया तो आज देखिए इस शो में हम लेकर आते हैं आपके लिए दुनिया भर से ऐसी कुछ विजुअल ट्रीट्स, बहुत ही बढ़िया देखने वाली और सुनने वाली खबरें। तो तैयार है आप सब लोग? हाँ, चलिए जी, रेडी है। तो बात दुनिया की, पहले देखिए एक झलक। आज बात दुनिया की में कीजिए मुलाकात, 2047 से टाइम ट्रैवल करके 2022 में आए एक शख्स से, मिलिए समुद्र के उस जासूसी वेल से जिससे थर थर कांपते हैं दुनिया के कई देश, समझिए कि आखिर क्यों आने वाले वक्त में आसमान से गायब हो जाएंगे तारे, जानिए उस वक्त क्या हुआ जब चलती फ्लाइट में यात्री ने खोल दिया प्लेन का दरवाजा, और देखिए कि किस देश में मर्दों के किचन के कामकाज को मॉनिटर करेगी सरकार। देखिए दुनिया भर की रोचक खबरों का पिटारा बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ज्यादातर लोग यही पूछ रहे होंगे कि कौन सा है वो देश जिसका पासपोर्ट और वीजा में, पासपोर्ट या वीजा में नहीं लेना है। जी जय ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, जय पूछिए बताइए। जी अनिल जी, बिल्कुल दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी अनिल जी, एक तो के डेफिनेटली नो वो जो आपने बताया कि जहाँ पे वीजा हमें पासपोर्ट वीजा ये सब लेना नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड दूसरी अनिल जी, वो तारे वाली बात भी अनिल जी अच्छी इसलिए लगी कि अगर आसमान से गायब हो जाएंगे तो अनिल जी वो मूवी आई थी तारे जमीन पे, तो क्या आसमान से निकल कर तारे जमीन पर आ जाएंगे? अरे वाह, क्या बात है, व्हाट अ थॉट, गजब, इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, वेरी नाइस। जी कौन अब और कौन बोलना चाहता है? हाँ जैन साहब। नहीं, ये मेरा भी यही था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, जय को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, तारे जमीन पर ही आएंगे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दूसरा, ये जो किचन वाला जो है तो बहुत डेंजरस चीज है, मतलब मैं याद रख सकता हूँ आप जैसे भी
बस्ती की पाठशाला में भी सेठी साहब को लेकर भी किचन वाला काम को लेकर काफी बोलते हैं, और दूसरा है जासूसी वेल, और ओवरऑल चलती फ्लाइट में कई बार जब मैं बैठता हूं तो मुझे लगता है कि खुल जाए तो क्या हो, खुलने की इच्छा कई बार करती है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलती फ्लाइट में गेट खुल जाए तो क्या होने वाला है। इच्छा करती है आपकी फ्लाइट का दरवाजा खोलो जब करते हो भाई साहब। मैं तो आप भाई आज के बाद अपने जैन साहब के साथ कभी, वैसे तो मैं कभी ट्रेवल किया नहीं हूँ अभी तक जैन साहब के साथ फ्लाइट, अब करूंगा भी नहीं, करना भी नहीं करूंगा भी नहीं, और करूंगा भी तो मैं आगे वाले दरवाजे पे ये पीछे वाले पे, ठीक है ना, पता चला उड़ी गए। अच्छा वैसे जैन साहब को चारों पसंद, जैन साहब सीधे ही बोलते थे पूरा शो पसंद आ रहा है मुझे, पांच में से चार तो आपने बोल दी, एकदम सही बोल रहे हैं, पूरा शो ही पसंद आ रहा है, वो तो मैं थोड़ी शर्म से बोला नहीं 2022 और 2047 को। जी कुणाल जी, अनिल जी देखिए, एक तो ये जो सबसे पहली वाली स्टोरी थी ना अनिल जी, 2047 से कोई आदमी 2022 में आएगा तो अनिल जी उसको तो सारे शेयर के भाव पता होंगे कि रिलायंस कहां तक जाएगा, आईटीसी कहां तक जाएगा, अगले 20 साल तक कहां जाएगा, सारे दाम उसको पता होंगे, तो पहले तो अनिल जी वो स्टोरी सुननी है। दूसरी अनिल जी, ये जो किचन में मॉनिटरिंग वाली बात है, तो अनिल जी इसके लिए सरकार की क्या जरूरत है, अनिल जी इसके लिए तो बंसल जी के घर में सरकार वैसे भी मॉनिटर कर रही है, तो अनिल जी इसके लिए बाहर की सरकार की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये स्टोरी बेकार है। एकमात्र जिन्हें ये स्टोरी एक्साइटिंग नहीं लगी, बोले इसमें नया क्या है, बोले बाकी सबको बड़ी एक्साइटिंग लगी। जी सुमित जी, अनिल जी आप, अनिल जी आपने नोट किया तो बंसल जी पूरे टाइम मुंडी नीचे करके बैठे हुए थे कि कोई स्टोरी पे बात नहीं कर ले। हाँ। इसके लिए उन्होंने ये स्टोरी पे जैसे ये स्टोरी आई वैसे ही उन्होंने देखो उनके फेस पे स्माइल आ गई। अनिल जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मुझे अनिल जी अच्छी लगी स्टोरी, बट ऐसा नहीं है कि शर्म सिर्फ जैन साहब को ही आती है, अनिल जी हमें भी अनिल जी शर्म आती है इसलिए कुछ बोले नहीं अनिल जी। नहीं नहीं वैसे आपका तो खैर जग जाहिर है आपको पता ही है, लेकिन आज स्टोरीज एक से एक बहुत ही जबरदस्त है, और इन जबरदस्त स्टोरीज का आनंद लीजिए, बस अब से थोड़ी देर में बात दुनिया की आपके लिए आने वाला है ये बेहतरीन शो हमारा हर बुधवार को शाम 4:26। इसके अलावा आज एक और बेहद इंटरेस्टिंग शो है जो डेडिकेटेड है जय ठक्कर को। अच्छा हाँ जय ठक्कर को डेडिकेटेड। हाँ, शहरों में फास्ट फूड के नाम पर ये क्या क्या पता नहीं क्या क्या पैटीज है, हाँ हॉट डॉग क्रीम रोल वगैरह, हाँ, ये सारे रेडी टू ईट फूड जो है ये बड़े चलते हैं, और लोग खाते भी बगैर जाने की क्वालिटी अच्छी है खराब है, कहाँ से बने, किस कैसे बने, किसने बनाया है, मजे से आराम से बिंदास खाते हैं, लेकिन कई बार ये रेडी टू ईट फूड जो है सेहत के लिए थोड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन फसाई जो हिंदुस्तान में ये सब खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी मेंटेन करने वाली जो संस्था है वो इसको लेकर एक गाइडलाइन लेकर आ रही है। जी हाँ, स्ट्रीट फूड पर गाइडलाइन, ये अच्छा है ना, बहुत बढ़िया। तो आज इसी पर करेंगे हम चर्चा की जरूरत है क्या है, तो क्यों कैसे, और ये जो आप फूड खा रहे हैं इसमें सावधानी क्या रखें, फास्ट फूड पर फसाई का फंदा, ये है हमारा आज का टंग ट्विस्टर टाइटल, बढ़िया है ना, फास्ट फूड पर फसाई का फंदा, 10 बार बोले बिना रुके आप अपने आप समझ जाएंगे। आइए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, डॉक्टर प्रतीत समदानी साहब होंगे, डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल जी होंगी यानी मानी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, और सारिका अग्रवाल जी होंगी MD फूड सेफ्टी वर्क्स, इन तीनों से करेंगे इस पर मुलाकात। तो ये फास्ट फूड को लेकर ये बेहद जय इंटरेस्टिंग है आपके लिए स्टोरी, जो जो खाऊ गली में जाकर, मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगह जॉइंट फेमस है खाऊ गली जिसको बोलते हैं, जहाँ आपको अलग अलग वैरायटी पाव भाजी भी मिलेगी, भेल भी मिलेगा, डोसा भी मिलेगा, गोला भी मिलेगा, वो मेवाड़ा आइसक्रीम भी मिलेगी टाइप्स, वो सब आप जाते हैं रेगुलर, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं जाते हो। अनिल जी इतना सारा नाम ले लिया मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो बिल्कुल, तो ये है आज की आपके लिए बहुत ही जबरदस्त स्टोरी देख शो, ये मिस मत कीजिए। इसके अलावा अगर आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई नोटिस मिला है तो बिल्कुल भी लापरवाही न करें, और जवाब न देने की स्थिति में अतिरिक्त टैक्स के साथ पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। दरअसल जिन लोगों ने पिछले सालों के रिटर्न में गड़बड़ी की और जिन्हें नोटिस भेजे गए उन्हें, और जिन्होंने नोटिस के जवाब नहीं दिए उन्हें 30 जून तक फिर से नोटिस भेजे जाएंगे। आज हम बताएंगे कि आयकर विभाग कब नोटिस भेजता है, क्यों भेजता है,
और नोटिस मिल गया तो करना क्या है, रिटर्न भरने में किन गलतियों से बचे, शाम 6:30 बजे होगा हमारा विशेष शो रिटर्न में गड़बड़ी मुश्किल बढ़ी, ये है हमारे विशेष शो के दो खास मेहमान सुनील गर्ग साहब, कपिल मित्तल साहब, इनसे करेंगे हम मुलाकात, जानेंगे टैक्स को लेकर क्या कुछ सावधानी आपको रखनी है। और इसके बाद हवाई ईंधन यानी कि ATF के दाम एक बार फिर से कम हो गए, दिल्ली में जेट फ्यूल का दाम 95,935 रुपये प्रति किलोलीटर होकर से घटकर 89,303 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है। इस कटौती से एयरलाइंस इंडस्ट्री को तो राहत मिल रही है, लेकिन आसमान छूते हुए हवाई किराए से किराए कब कम होंगे, आम कंज्यूमर को कब राहत मिलेगी, जब से ये गो फर्स्ट बंद किया हुआ है भाई साहब पूछे मत, लूट मचा रखी है एकदम एकदम, जो मतलब अगर आपको एक आध दो दिन बाद के पहले ही टिकट कटवानी हो तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, पहले 15 दिन पहले कराएं तब तक तो ठीक है। तो ये जो लूट मची हुई इस पर आज हम उठाएंगे सवाल इंडिया 360 डिग्री में, जेट फ्यूल में छूट फिर भी टिकट में लूट है कि नहीं है, बिल्कुल। फ्रीक्वेंट फ्लायर जैन साहब जरा पूछते हैं, जैन साहब कितने बढ़ गए किराए जरा बताओ। नहीं नहीं काफी, इनफैक्ट अनिल जी जो आपने सही बोला लास्ट केस में जब आते हैं काफी फर्क पड़ता है, बाकी बॉम्बे के फेयर्स में तो दिल्ली के फेयर्स को ज्यादा देखता हूँ, और हमारे आसाम जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, कैलकटा पर्टिकुलरली, तो सेक्टर वाइज भी है यस काफी बढ़ गए। और जो अभी एक बात बोली ना फोरेंसिक ऑडिट की वरुण जी ने वरुण जी ने बोली थी तो सही है, कहीं ना कहीं नीचे तो आना चाहिए क्योंकि क्रूड ऑयल का बेनिफिट हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, ना हमारे गाड़ियां सस्ती चल रही है ना फ्लाइटें सस्ती चल रही है, सो लेट्स सी, तो गुहार यही लगाएंगे कि कहीं ना कहीं पास ऑन हुए अब कंज्यूमर। मेरे ख्याल से किसी को समझाना चाहिए सिद्धार्थ जी को कि जामनगर जाना महंगा है जर्मनी जाना सस्ता है, तो ऐसा ही हो रहा है, विदेशी फ्लाइट सस्ती है डोमेस्टिक फ्लाइट महंगी है, सो जल्दी से कर लिया जाए काम, हाँ जामनगर ले जाने के बाद जर्मनी ले जाए, जर्मनी चलिए। तो चलिए ये इस पर हम सवाल उठा रहे हैं कि जब इतना किराया इतना आपकी कॉस्ट कम हो रही है, आपका जेट फ्यूल का दाम कम किया जा रहा है, तो फिर किराए कम क्यों नहीं किए जा रहे, इससे कैसे कम किया जाएगा, इस पर है बड़े सवाल। बिल्कुल, और इसके अलावा एक और खास शो आपके लिए, वैसे तो आज सुबह 11 बजे भी आपने देखा था बट अगर मिस कर दिया हो या दोबारा देखने का मन हो तो जरूर जो SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र हैं उनके साथ एक खास एक्सक्लूसिव बातचीत अनिल जी ने करी है, कर्ज भुगतान पर सोनी जी डील को लेकर और भी कई सारे मुद्दों पर एक फ्रैंक चर्चा करी है डॉक्टर सुभाष चंद्र ने, तो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आज शाम 7 बजे आप जरूर देखिए जी बिजनेस पर। ओके, तो ये है आज के आज शाम के बेहतरीन कार्यक्रम, बाजार फाइनली क्लोजिंग 46 अंक नीचे 18,487, 193 अंक नीचे सेंसेक्स पर और 337 अंक नीचे 43,790 है कि 43,800 के आसपास बंद होते हुए, कल के जो लोज थे उसके आसपास आज आई है वीकली एक्सपायरी, आखिरी आधा पौन घंटा पड़ा है भारी, बाकी दिन भर हमने आराम से निकाला है। डाउ फ्यूचर्स 36 अंक ऊपर है, नैसडेक फ्यूचर्स हैं सपाट, दीप और मुझे इजाजत दीजिए, मृत्युंजय है तैयार, मृत्युंजय जी बताइए, अरे एक मिनट धन्यवाद नहीं दिया, ओहो कुणाल जी राकेश जी और सुमित जी तो ऐसे भागने के चक्कर में देखो बिना धन्यवाद लिए चले गए, और जय ठक्कर और कौन कौन बचे जिनका धन्यवाद, श्रीकांत जी का भी देना था और सबका हो गया, सबका धन्यवाद, जो जिनका नाम रह गया उनका भी धन्यवाद।